आई एव वन हेलो जी हेलो 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 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ कन्फर्म द ट एम क्लेली ऑडोबिल एंड विजिबिल स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सुप्रभात बदा ने सच्रीकाल आदाब जय श्री कृष्णा कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स हेलो जी हेलो हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू भई एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर दो कि ऑडियो और वीडियो में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ताकि हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपके फिजिक्स का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चैप्टर है उसको हम लोग डिटेलिंग में थ्योरी को डिस्कस करके कंसेप्ट को डिस्कस करके और क्वेश्चंस करके निपटाने वाले हैं कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर नया है माय नेम इज तमना चौधरी आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यू जी होपुली आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यू जी स्वागत है आप सबका नीट अड्डा टू फोर सेवन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्राश कोर्सेज चल रहे हैं तीनों के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं तीनों के सिंगल शॉर्ट सेशन या तो चल रहे हैं या फिर हो चुके हैं सो so, बेसिकली ये जो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है ये तुम्हारे लिए एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम कर सकता है अगर तुम इस पर्टिकुलर चैनल को अच्छे से यूटिलाइज करो तो बाकी अगर चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ये देख लो बच्चों सिक्सटीन अप्रैल तक का हमारा ये टारगेट है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पाँच घंटे का सिंगल शॉट लगाया था और उसके अलावा दो और आधे घंटे का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन लगाया था तो अच्छे से कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई भी कर लिया अब हम लोगों को नेक्स्ट के दो दिनों तक सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए करनी है कि ये वाले सेशन में हम लोग ऑब्वियसली बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंसेप्ट थेरी है वो मैं तुम्हें सारी बताऊंगी ऑब्वियसली बात है बिना क्वेश्चन के तो करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो फिजिक्स का को कोई भी चैप्टर नहीं हो सकता फिर हम लोग क्या करेंगे ना फिर हम लोग मिलेंगे कल कल दोपहर को हम लोग मिलेंगे तीन बजे और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके ऊपर हम लोग टॉप सेवेंटी फाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ से अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीख लेते हैं ये वाले सेशन की हेल्प से और कल मिलके बिल्कुल बैठेंगे और धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर भी हम लोगों ने सेवेंटी वन क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इकलौते इस चैप्टर के ऊपर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी एवरी वन इज रेडी फटाफट से हाँ जी आई वोक अपार्ट वन ए एम मैं एक बजे उठी हूँ सो मैं काफ़ी टायर्ड हूँ बच्चों आज है ना तो मेरी आँखों को देख के भी लग रहा होगा कि दी को पता नहीं कि ऐसे छोटी छोटी आँखें लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि दी को आँखें खोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है सो दैट इज़ ट्रू दैट एक्चुअली इज़ हैपनिंग तो एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी है ना बाकी मैं पढ़ा अच्छा दूंगी जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगी बस एनर्जी आज हरियाणा वालों जैसी नहीं होगी आज थोड़ी सी कम एनर्जी से मैं पढ़ाने वाली हूँ ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज के इस सेशन को सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देंगे जैसे मंदिर में आते ही आप घंटी बजाते हैं है ना हो टन 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 जय माता दी ऐसे करते हैं ना उसी तरीके से लाइक कर दो सेशन को क्योंकि पढ़ाई भगवान है नॉलेज भगवान है है ना चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चों हम लोग हमारी क्लास को तो देखो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में तोड़ा है और एक बार जब ये क्लास खत्म हो जाती है इन्हीं टॉपिक के बेसिस के ऊपर मैं टाइम स्टम्प्स भी ऐड करवा दूंगी पहला टॉपिक है चार्जेस और करंट देख लो क्वेश्चन है इसके ऊपर फिर थर्मल ऑफ रेजिस्टेंस फिर मेरे पास डिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम करंट ये सब फिर मेरे पास आ जाता है ओम्स लो, फिर मेरे पास आ जाता है कंबिनेशन ऑफ रजिस्टर्स फिर मेरे पास आ जाता है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है अगर मैं लेंथ ऑफ द वायर को डबल कर दूं या तो नॉर्मली डबल कर दूं या फिर स्ट्रेच करके डबल कर दूं वाइज वर्जा कंप्रेशन के लिए फिर हम लोग बात करेंगे लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम देख लो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन है क्योंकि कैसे करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो होने ही हैं और फिर हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और सेल्स के कम्बिनेशन के बारे में टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में मैं लोगों को बताऊंगी फिर मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ नोडल एनालिसिस के बारे में और कैसे नोडल एनालिसिस को लगाया जाता है मैथमेटिकली भी लगाया जाता है कंसेप्चुअली भी लगाया जाता है कैसे हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स हैं अब ऑबवियस ही बात है देखो आप कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन आपके पास कितना टाइम है तो मैं ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट रजिस्टर प्रॉब्लम्स आज के क्लास में लेने वाली हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी तो हम लोग वो हमारे कल के प्रैक्टिस सेशन में करेंगे आज की क्लास का जो लेवल है सिर्फ ईजी मीडियम और कंसेप्चुअल होगा ठीक है लास्ट में हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में पोटेंशियो मीटर हट चुका है तुम्हारे सिलेबस में से कार्बन रजिस्टर हट चुका है तुम्हारे सिलेबस में से और फिर बाद में हमारे पास आ जाएगा टेंथ टॉपिक जिसके अंदर हम लोग पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें से बल्ब भी आ जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो ये देख लो चार घंटे की क्लास होगी और चार घंटे में हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें कम्प्लीट करनी है आई अग्री कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर मानो यार मैं एक ऐसे चैप्टर की बात कर रही हूँ तुम देखो ना जहाँ से पांच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ब्रो जहाँ से चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बड़ा होना भी चाहिए है।, है ना कायदे से तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी चैप्टर है आई अश्योर यू अगर तुम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार अच्छे से कर रहे हो इस वीडियो की हेल्प से देन यू कैन डेफिनेटली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एक्सपर्टीज तक जाएंगे so i'm hoping i can यू नो आई एम होपिंग आई कैन स्टार्ट विद विदा क्लास है ना कमेंट सेक्शन में इंटर रखेंगे ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ है ना क्योंकि अगर मुझे सुबह सात बजे उठ के यही फीलिंग आनी कि मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज बच्चों में इतना कम इंटरक्शन है तो बेटर है ना मैं पहले रिकॉर्ड करके सात बजे रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूँ है कि नहीं सो so, क्लास में इंटरैक्शन रखेंगे ताकि तुम्हें भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए और अब बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हुए जिसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चार्जेस और करंट तो देखो भाई चार्ज क्या होते हैं चार्ज कितने तरीके होते के होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग दो चैप्टर्स निपटा चुके हैं जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर्स हैं फर्क बस इतना था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या इलेक्ट्रो माने चार्ज स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट तो हम लोग वहां पर बेसिकली चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि मानो अगर कोई चार्ज रेस्ट के ऊपर है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कैसे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा दो चार्जेस जो रेस्ट के ऊपर है उनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा फलाना ढमकाना वी हैव हैड दैट डिस्कशन अब यहाँ पर मैं तुम्हें बोलूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर मानो ये चार्जेस मूव करने लग जाए तो ऑब्वियस ही बात है जब भी चार्ज मूव करता है करंट प्रोड्यूस होता है कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है बच्चे उसी डायरेक्शन में करंट आता है उसी तरीके से मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करे तो इसकी वजह से जो करंट है इस डायरेक्शन में आता है दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होपफुली एवरी वन नोज अबाउट दिस ठीक है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी वजह से करंट आएगा और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा तो ये जो चार्ज है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये सब ऑलरेडी यूनिट्स एंड डिमेंशन में हम लोग कर चुके हैं और जो करंट है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ऑब्वियस ही बात है चार्जेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया तो अभी एक बार ज़रा सा करंट के बारे में बात करते हैं सो वॉट इज़ करंट मानो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि भाई करंट है क्या तो तुम देखो ना वेलोसिटी क्या था वेलोसिटी था कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रही है वैसे करंट बताऊं क्या है करंट ये है कि किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज़ इट कि भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक सेकंड में या फिर कितना चार्ज फ्लो हुआ है टी टाइम में डिवाइडेड बाय टी टाइम या फिर कितने रेट से चार्ज फ्लो करता है वो है मेरे पास करंट तो अब अगर मानो मैं इस करंट की बात करूं तो इसको मैं दो तरीकों से डिफाइन कर सकती हूं जैसे कि या तो मैं डिफाइन कर सकती हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर करंट कितना है कि मानो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और मैं तुमसे बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछूँ कि टाइम इज इक्वल टू तो टू सेकंड पे कितना करंट है टाइम इज इक्वल टू तो फोर सेकंड पे कितना करंट है वी डिड द सेम थिंग फॉर वेलोसिटी एज वेल डू यू ऑल रिमेंबर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब आप एक इंस्टेंट के लिए करंट को डिफाइन करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस करंट है और अगर आप एक टाइम इंटरवल के लिए करंट को डिफाइन करते हैं तो वो मेरे पास एवरेज करंट आ गया तो इंस्टेंटेनियस करंट मेरे

वेरी इजी तो वैसे मैं तुम्हें तो बोल बोलू करंट को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि भाई अगर मानो करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो वायर के अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट है कि नहीं है जैसे कि मानो अगर मैं बोलूं कि मैंने अभी करंट को मेजर किया तब भी वो दो एम्पेयर था मैंने फिर दो सेकंड के बाद मेजर किया तब भी दो एम्पेयर है मैंने पाँच सेकंड के बाद मेजर किया तब भी दो एम्पेयर है तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ ना चेंज हो रही हो वो मेरा यूनिफॉर्म करंट हो गया है ना कि भाई अगर मानो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो तो वो मेरा यूनिफॉर्म करंट आ गया कि करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है वैसे ही मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है मतलब मानो अगर ये वाली वैल्यू वेरिएबल है तो फिर बाद में मैं जिस तरीके के करंट की बात करूँ वो मेरा वेरिएबल करंट है अब जैसे कि मानू मैं बच्चों अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लूँ यहाँ पर टाइम ले लूँ उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी ले लूँ यहाँ पर टाइम ले लूँ अब देखो भाई हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने चैप्टर्स कर चुके हैं हमारे दिमाग को ऑलरेडी सोचना आता है कि कभी भी अगर हम किसी भी ग्राफ के स्लोप निकालना चाहते हैं वाई एक्सेस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस कर दो है ना तो एक्सट्री ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है तो मैं तुम्हें बोलूँ अगर मैं यहाँ पर चार्ज रखूँ और यहाँ पर टाइम रखूँ तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा करंट क्यू बाई डी क्या होता है मेरे पास करंट होता है वैसे तो मैं यहाँ पर बोल दूंगी कि भाई जो स्लोप है चार्ज टाइम ग्राफ का वो मुझे करंट देगा उसी तरीके से अब आपकी बार मानू मैं एरिया निकालना चाहूँ चाहे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ या फिर मैं करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया निकाल के कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी ये सोचने के लिए मुझे सिर्फ वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे कि जब मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो चेंज इन पोजिशन आता है जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा वैसे मैं बोल रही हूँ अगर मैं करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास चार्ज आ जा जाएगा तो अगर मानूँ मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया निकालती हूँ तो ये वाला एरिया मुझे ये बता रहा है कि ये वाले टाइम से लेके ये वाले टाइम तक एक्चुअली में कितना चार्ज फ्लो हुआ है दैट इज़ इट दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक तुम बोल दो घंटे में खत्म करा देती हूँ एक दो क्वेश्चन करा दूंगी सारे टॉपिक के ऊपर दो घंटे घंटे में कंप्लीट <laughs> तो कर लेते हैं कर लेते हैं ना, माना हम लोग कल ऑलरेडी फाइव क्वेश्चन करने वाले हैं बट यही तो देर इज नो अपर लिमिट टू दंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मानो मैं अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन दू कि भाई वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था ना तो उस करंट की इक्वेशन ये है तो तुमसे पूछा हुआ है भाई कि भाई बताओ टाइम इज इक्वल टू टेन सेकेंड के ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है सो डोंट थिंक अबाउट इंटीग्रेशन और डिफरेंसिएशन थिंक अबाउट तुमसे जो पूछा हुआ उसको डिफाइन कैसे कर रहे हो तो अगर मानो मुझसे पूछा जाए कि टेन सेकेंड के ऊपर कितना करंट है तो मैं देखूंगी टेन सेकेंड के ऊपर कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब मुझे क्या करना है मुझे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू के कौन से टाइम के ऊपर निकालनी है टेन सेकेंड के ऊपर तो पहले डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू तो निकाल लो भाई तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकालू तो करूँ चार्ज की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन टाइम के साथ ये मेरे पास आ जाएगा फोर टी प्लस फोर अब आप मुझसे किसी भी टाइम के ऊपर करंट पूछ लो क्योंकि ये बेसिकली मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई ना कि जो करंट है टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है अगर आप मुझसे पूछते कि भाई कितनी करंट की वैल्यू है टाइम इज इक्वल टू तो जीरो के ऊपर तो मैं टाइम को जीरो रख देती आंसर फोर आ जाता फोर एम्पेयर आ जाता अगर आप मुझे ये बोलते कि अब जैसे कि बोल ही रहे हो कि टाइम की कि टाइम इज इक्वल टू तो टेन सेकेंड के ऊपर करंट की वैल्यू बताओ तो रखो ना भाई टी की वाल्यू को टेन रखो तो ये मेरे पास आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ टेन प्लस फोर जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई फोर्टी फोर एम फेयर इट इज नॉट डिफिकल्ट ये चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है चाहे मैं खिरशफ की बात करूं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये देखिए है ना अब मानो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें बोलूं कि भाई अब की बार ना मैंने तुम्हें करंट की इक्वेशन दे दी कि एक वायर के अंदर जो करंट है टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है मैंने तुम्हें बोला कि ऐसा करो एवरेज करंट निकालो टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड तक डोंट थिंक अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली वील हैव टू थिंक अबाउट इट बट नंबर वन थॉट शुड बी व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट लेट अस डिफाइन दैट तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई कितना एवरेज करेंट फ्लो कर रहा है जीरो से लेके वन सेकेंड तक तो मुझे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो किया है जीरो से लेके वन सेकेंड तक डिवाइडेड बाय जीरो से लेके वन सेकेंड तक कितना टाइम है विच इज वन सेकेंड दैट इज इट खिर नहीं खिरफो देखो आप मुझे किसी भी टाइम इंटरवल में अगर एवरेज करंट पूछते हैं तो मैं देखूंगी कि उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया है और उस टाइम इंटरवल के टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने लिया बहुत ही जेनुअन अप्रोच अब इस जेनुन अप्रोच से मुझे ये पता लग रहा है कि मैडम जी अब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कैसे क्योंकि आपके पास तो चार्ज की इक्वेशन ही नहीं है अस अज्यूम कि चार्ज की इक्वेशन दी होती टू टी प्लस थ्री तो तुम देखते कि भाई चार्ज की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू जीरो पे कितनी है वो तीन कूलम आ जाता तुम देखते चार्ज की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड के ऊपर कितनी है वो पांच कूलम आ जाता तो तुम्हें पता लग जाता जीरो से लेके वन सेकेंड तक दो कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है है ना लेकिन तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन नहीं है तो अब सोचो कि करंट की इक्वेशन है और चार्ज की इक्वेशन निकालनी है सो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी तो ऑब्वियसली बात है क्यू हो जाता है आई मल्टीप्लाइड बाई टी तो देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ और ये हम लोग इतनी बार अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मानो तुम्हें चार्ज फ्लो निकालना है टी टाइम में तो अगर आप कांस्टेंट करंट की वजह से निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट करंट को सिंपली टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन मानो अगर आप वो चार्ज फ्लो निकाल रहे हैं जो टी टाइम में हो रहा है वेरिएबल करंट की वजह से तो फिर वेरिएबल करंट को आपको टाइम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है उसकी इंटीग्रेशन करनी है टाइम के साथ वी हैव डन थिंग इन आर लास्ट क्लास एज वेल जब हम लोग डू यू ऑल रिमेंबर यूनिफॉर्म या फिर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाल रहे थे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे लेकिन जब हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे थे तो हम इंटीग्रेट कर रहे थे सेम कंसेप्ट यहाँ पर है तो मुझे तो ये देखना है ना कि जीरो से लेके वन सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है चलो निकाल लेते हैं तो मेरे पास आ गया कि भाई जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस वेरिएबल करंट की वजह से वो निकालने के लिए करंट की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी टाइम के साथ तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री टी ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास टी स्क्र प्लस थ्री टी तो अब देखो ना मैं वो चार्ज निकालना चाहती हूँ वैल्यू आ जाएगी तो कि भाई जीरो से लेके वन सेकंड तक चार कुलम का चार्ज फ्लो किया है जीरो से लेके वन सेकेंड तक एक सेकंड का टाइम है सो so, जीरो से लेके वन सेकेंड तक एवरेज करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फोर एम्पेयर देखो है कि नहीं लेट मे गिव यू वन मोर क्वेश्चन जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ना इस तरीके से करंट और टाइम का ग्राफ दे दिया अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई छः से लेके सोलह सेकेंड तक एवरेज करंट की वैल्यू बताओ तो ऐसे तो अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम कंसेप्ट पकड़ो ना भाई डिफाइन करो एवरेज करंट कैसे निकालोगे एक ही वे है एवरेज करंट अगर छः से लेके सोलह सेकेंड तक पूछा हुआ है तो तुम यहाँ पर देखोगे कि एक्चुअली में कितना चार्ज फ्लो हुआ है छ से लेके सोलह सेकेंड तक और फिर उसको डिवाइड कर दोगे कि छः से लेके सोलह सेकेंड तक एक्चुअली में टाइम कितना है तो छः सेकेंड और सोलह सेकेंड के बीच में दस सेकेंड का टाइम है अब मुझे देखो अब जब मैंने डायरेक्ट अप्रोच लिया तो डायरेक्ट अप्रोच ही बता देगा कि अब क्या निकालने की जरूरत है तो मुझे यहाँ पर चार्ज फ्लो निकालने की जरूरत है ना कि छः से लेके सोलह तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो बताओ करंट टाइम के अंडर का जो ग्राफ है या फिर करंट टाइम का जो ग्राफ है उसके अंडर का एरिया मुझे चार्ज फ्लो ही देता है तो ये वाला चार्ज फ्लो निकाल लो यही तो तुम्हें निकालना है तो ये वाली वैल्यू आ गई हाफ इन टू बेस इन टू हाइट ये वाली वैल्यू आ गई ट्वेंटी कोलम तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो छः से लेके कर सोलह सेकेंड तक बीस कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है छः से लेके कर सोलह सेकेंड तक दस सेकेंड का टाइम है सो छः से लेके सोलह सेकेंड तक जो एवरेज करंट की वैल्यू है वो आगे मेरे पास टू एम

बनता ही नहीं है यहाँ से डिफिकल्ट आप बेसिक बेसिक तुम देखो तुम v IR पे सारी, कर जाओगे, सारी पावर कर जाओगे चार्ज टाइम का ग्राफ दे दिया और मैंने तुमसे पूछा कि भाई दो सेकंड के ऊपर और चार सेकंड के ऊपर कितना करंट है तो वन स्टेप की करंट की वाल्यू आप दो सेकंड के ऊपर पूछ रहे हैं तो मानो यहाँ पर आ गया दो सेकंड तो मुझे इसका स्लोप निकालना है मुझे इस अच्छे से पता है कि जो स्लोप है चार्ज टाइम ग्राफ का वो मुझे करंट देता है ना तो तुम देखो ना कांस्टेंट स्लोप है ना कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट करंट तो तुम्हें यही करंट निकालना है स्लोप से निकाल लो स्लोप से निकाल लो भाई स्लोप तो ये यह यहां पर स्लोप आ गया मेरे पास टेन थीटा वन सो तो टेन थीटा वन मेरे पास क्या आ गया ऑपोजिट विच इज टेन कूलम डिवाइडेड बाई इज थ्री सेकेंड तो ये वाली वाल्यू आ गई टेन बाई थ्री एम्पेयर और उसी तरीके से मानो आपकी बार अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ चार सेकंड के ऊपर कितना करंट है तो तुम देखो चार सेकंड के ऊपर स्लोप निकाल लो तो चार सेकंड के ऊपर स्लोप है ही नहीं चार सेकंड के ऊपर चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तुम देखो ना ये चार सेकंड को स्टडी करो ना यहाँ पर ये है स्लोप तो केड़ा स्लोप अगर मेरे पास आ, आ, किसी भी पॉइंट से एसोसिएटेड जो टेंजेंट है अगर वो एक्स एक्सिस से ही पार लो तो कौन सा स्लोप स्लोप ही नहीं है स्लोप नहीं है तो यहाँ पर करंट नहीं है देखिए है कि नहीं फटाफट से तो इस तरीके से मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ हाँ जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने बोला मैम इफ यू विल फिनिश इन टू आवर्स आई विल गिव यू कितने रुपए बोले हैं जीरो काउंट करने दे आई विल गिव यू टेन थाउजेंड रुपीज सुपर चैट <laughs> मुझे मैं फ्री में कर दूंगी भाई तो खुश रहे मैं फ्री में दो घंटे में कर दूंगी लेकिन फायदा क्या है, है? चल मैंने तेरे मैं तेरे दस हजार रुपये भी ले लूँ तुझे क्लास का फायदा भी ना हो तो तेरा तो डबल लॉस हो गया ना कि क्लास में कहने को करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया कख नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कख नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बता ऊपर से दस हजार के लॉस में भी है तो पापा से और पिटेगा तू तो इससे बेटर है ना कि रहने दो डबल लॉस में क्यों जाना है तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला टॉपिक जो हमारा क्या था चार्जेस और करंट बहुत ही जेनुअन टॉपिक था ठीक है अब फिर बाद में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि थोड़ा सा छंटा हुआ थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है इट इज अबाउट थर्मल ऑफ रेजिस्टेंस तो बेसिकली ये वाला टॉपिक क्या है ना कि मानो अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं ठीक है तो मुझे अच्छे से पता है रेजिस्टर की कुछ रेजिस्टेंस होती है और अगर मानो मैं उस रेजिस्टेंस को डिफाइन भी करना चाहूं देन आई कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर आई एम होपिंग एवरी इज अवेयर ऑफ दिस उसी तरीके से जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाता है तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है ठीक है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है तो मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ कि मानो अगर मैं तो मैं बोलूँगी भाई एक कॉपर वायर यहाँ पर है जिसके एल लेंथ है एक कॉपर वायर यहाँ पर है जिसके टू एल लेंथ है तो मैं बोल दूंगी कि भाई दोनों का एरिया सेम है दोनों कॉपर से ही बनी हुई है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है तो अगर ये वाले वायर की लेंथ डबल है तो इसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी ये तो जेनवइन जेनविन बातें हैं ना इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग आगे तो मैं अभी इस रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है बिकॉज हम लोग सेमीकंडक्टर्स कर चुके हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं कि भाई अगर मानो तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की वो कम हो जाती है जो रेजिस्टेंस है इंसुलेटर की वो कम हो जाती है तो वहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना वो डिस्कशन बिल्कुल कंसेप्चुअल था कोई मैथमेटिक्स नहीं आ रही थी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टॉपिक है वो उस कंसेप्ट से एसोसिएटेड मैथमेटिक्स बता देता है कि मानो अगर तुमने एक वायर ली जैसे हर वायर की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी है ना रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वायर वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ हर वायर का एक और आ, इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कॉइफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऑफ़ द वायर का डिफरेंट डिफरेंट थर्मल क्वफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो हमें बेसिकली ये बताता है कि कितना रिलेटिव चेंज आया है रेजिस्टेंस में जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है दैट इज इट दिस इज कम्प्लीटली मैथमेटिकल जो कंसेप्चुअली चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन कर लेंगे सो वॉट इज थर्मल कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी वायर का थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे ये देगा कि अगर मानो मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में डिवाइडेड बाय मैंने टेम्परेचर को कितना चेंज किया दैट इज इट तो ऑब्वियसली बात है अगर मानो मैं इसके यूनिट्स और डिमेंशंस की बात करूँ सो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस तो चला गया इसके ना कोई यूनिट्स हैं ना कोई डिमेंशनस हैं डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बैठा है तो जो यूनिट्स हैं वो हो गए पर कैलविन जो डिमेंशनस हैं वो भी हो गए मेरे पास पर कैल्विन है ना अब मानो अगर मैं मैथमेटिक्स में जानने से पहले थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करूं करूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं जैसे कि जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करती हूँ और जब मैं ये बोलती हूँ कि भाई इस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जग जगती है कि भाई रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रही होगी ये वाली वायर है ना तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक मटीरियल है जिसके थर्मल कोफ़िशियंट ऑफ़ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तब भी एक बत्ती जगनी चाहिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है तो तुम सोचो अगर मैं बोलूं कि भाई एक मटेरियल के थर्मल कोफ़िशियंट ऑफ़ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब अगर मैं उस मटेरियल के अंदर कुछ टेम्परेचर चेंज लेके आती हूँ तो उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा हाउ जेनुअन इज दिस तो आई कैन से कि अगर मानो अल्फा की वैल्यू बड़ी है अगर अल्फा लार्ज माइग्नेट्यूड का है इसका मतलब मोर चेंज इन द रेजिस्टेंस इसका मतलब मोर चेंज इन द रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ये मैं बोल सकती हूँ और मानो अगर मैं बोलूँ कि यार ये वाले मटेरियल के लिए तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो उस मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है मतलब उस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस के अंदर रिलेटिव चेंज आएगा वो छोटा होगा अगर मानो मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ सो so, अल्फ़ा के स्मॉल मैग्नीट्यूड होने का मतलब ये है लेस चेंज इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर चेंज लाना टेम्परेचर को चेंज करके कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है है ना ये मेरे पास सिग्निफिकेंस हो गया अल्फा के बड़े मैग्निट्यूड का और अल्फा के छोटे मैग्नेट्यूड का राइट <coughs> right? तो आई कैन से कि अल्फा का मैग्निट्यूड बड़ा है या फिर अल्फा का मैग्निट्यूड छोटा है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है अल्फा के स्मॉल मैग्नीट्यूड और अल्फा के लार्ज मैग्नीट्यूड का सिर्फ और सिर्फ इससे लेना देना है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस में चाहे जैसा मर्जी चेंज आ रहा हो कितना चेंज आ रहा है अगर टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है अगर टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कम चेंज आ रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास छोटी है ठीक है नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ये यह आ जाता है अल्फा के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस तो तुम देखो ना बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस यहीं से जान लो मन हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया मतलब तुम लोगों ने डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखा तो टेम्परेचर के बढ़ने से की वजह से अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव सो आई कैन से कि भाई अल्फा के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मानो मैं टेम्परेचर uh, को इंक्रीज कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ऑबियसि बात है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा एक और बार सुनो अगर मानो मैं बोलूँ अल्फा नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि मानो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ टेम्परेचर को बढ़ा दिया मतलब मैंने डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखा तो मैं तो मैं बोलूँ अगर मानो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए रेजिस्टेंस कम हो जाए मतलब चेंज इन द रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाए मतलब मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो भी नेगेटिव है सो so, अल्फा के नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है सो वाइज वर्सा टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऐसे काफ़ी ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ पिछले पांच साल में ही दो प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें इसी के ऊपर दिख जाएंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से किसकी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है और इंसुलेटर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और सेम क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स के लिए तो तुम देखो ना टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए ये हमें कंडक्टर्स में देखने को मिलता है मतलब कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है उसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए ये हम लोगों को इंसुलेटर्स में देखने को मिलता है और ये हम लोगों को सेमी कंडक्टर्स में देखने को मिलता है समझ आया है? समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देंगे देखो दैट इज इट तो ये अभी हम लोगों ने कंसेप्चुअल डिस्कशन किया है क्योंकि मैथमेटिक्स तो भाई मैथमेटिक्स एक बार जब आ जाए वो वाले क्वेश्चन में वो क्वेश्चन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं

ये सिर्फ ये सिग्निफाई करेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है वैसे ही अल्फा के मैग्नीट्यूड का छोटा होना या फिर बड़ा होना ये नहीं बताएगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा ये सिर्फ इतना बताएगा कि जितना भी चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है कि छोटा है ठीक है अब जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम्हें बोलूंगी भाई मेरे पास ना एक वायर है वायर की जो रेजिस्टेंस है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो अस्सी ओम है 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 120 ओम है तो मानो अगर तुमसे अल्फा की वैल्यू पूछी जाए निकालो अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम क्या कंसेप्ट लगा रही हो यू आर नॉट अप्लाइंग एनी कंसेप्ट यू हैव वन इक्वेशन यू आर सब्सिट्यूटिंग डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड गेटिंग टू दी आंसर

टेम्परेचर में चेंज सिक्सटी डिग्री सेल्सियस है मतलब टेम्परेचर में चेंज सिक्सटी कालवन का है तो मैं देख पा रही हूँ टेम्परेचर में चेंज में सिक्सटी कालवन का ले आई पहले जो मेरे पास रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू 80 ओम थी और जो मुझे चेंज इन दी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो 80 ओम से 120 ओम तक आ गए तो रेजिस्टेंस में चेंज आ गया 40 ओम का तो ये वाली वैल्यू आ गई 40 ओम अब तुमने कोई फिजिक्स नहीं लगाई यू आर सिंपली एंड सिम्पली सब्सिट्यूटिंग वैल्यूज इन दी

20 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 50 ओम है तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दिस इज द क्वेश्चन अब तुम्हें लगे कि ओ ये डिफिकल्ट है नहीं भाई तू अच्छे से डिफाइन कर अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ये वाली वैल्यू के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है तो तुम बोलोगे कि दी आप हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू दे दो क्योंकि देखो अगर आप मुझे अल्फा की वैल्यू दे दोगे ना तो, तो मैं यहां से यहां तक आ अल्फा आप दे दोगे टेम्परेचर में चेंज मुझे पचास का नजर आ रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास बीस है चेंज इन द रेजिस्टेंस मेरे पास आर माइनस ट्वेंटी आ जाएगा बात बस ये तुम्हें अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा तुम लोग निकाल सकते हो निकाल सकते तो तो वैल्यू आ गई कितना है तो तुम देखो 20 ओम से 50 ओम तक गए हो तो चेंज इन दी रेजिस्टेंस इतना है इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास इतना है टेम्परेचर में चेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक आ रहे हो चेंज 10 डिग्री सेल्सियस का है तो तो so, अगर 10 degree Celsius से से हो हो रहा है, तो 10 से temperature change हो रहा है, है। एक बार जरा सा देखिए। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पर कैल्वन अब तुम क्या करो अब फिर बाद में ये वाले ट्रांजिशन को स्टडी कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ

चेंज इन टेम्परेचर दस से लेके साठ तक आ रहे हो तो चेंज इन दी टेम्परेचर कितना पचास डिग्री पचास कैल्वन तो ये वाली 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 आ 50. एक बार सा देखे, और करेंगे हम कल, कि तुम्हें ये पता लग रहा हो कि यार इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ऐसा कुछ मतलब हाई फाई नहीं है ये देखो 150 की वैल्यू आ गई आर माइनस ट्वेंटी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 170 सेवेंटी ओम <coughs> है ना तो ये था बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक विच इज थर्मल ऑफ देख लो एक बार तो ये मेरे पास आ गया सेकंड टॉपिक विच इज थर्मल ऑफ रेजिस्टेंस अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं ठीक है मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बोनस डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर

डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देंथ ऑफ दिन प्रोपोर्स दी वायर अब मुझे अच्छे से पता है कि भाई जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाता है तो एक कॉन्सेंट ऑफ प्रोर्शनैलिटी आता है जिसको इस तरीके से रिजिस्टिविटी ऑफ द वायर बोला जाता है तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ डू यू ऑल नो अबाउट दिस दैट दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ये बोनस डिस्कशन करना चाहती थी एक बार दैट दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी किसका इग्नोर करना है अगर मानो तुम्हारे पास दो वायरस हो कॉपर की बनी हुई हो एक का एरिया डबल हो है ना दूसरे वाले की लेंथ ट्रिपल हो कोई फर्क नहीं पैदा दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी सो आई कैन से कोई भी दो वायर जो सेम मटीरियल की बनी हो तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज गोइंग टू बी दी सेम बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वायर इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द वायर है ना दूसरी चीज बच्चों यहाँ पर यह आ जाती है अगर मानो मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की बात करूँ तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर्मूला तुम्हें बता रहे हैं। ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका मतलब वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है ये उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा है ना ये लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करेगा ये एरिया ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा है ना इसी बोनस डिस्कशन में मानो अगर मैं एक क्वेश्चन एड कर दू जस्ट वन सेकेंड ये बोनस डिस्कशन है छोटे बच्चों वाला डिस्कशन की मानो मैं तुम्हें बोलूंगी भाई एक मेरे पास कॉपर वायर ये है दूसरी मेरे पास कॉपर वायर ये है

इतना कुछ हाई फाई क्वेश्चन तो है नहीं निकाल लो रेजिस्टेंस ऑफ तुम यहां पर जरा सा देखो दोनों को डिफाइन कर लो ना यू कैन नॉट नॉट रिलेट टू 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 थिंग्स इफ यू आर एबल डिफाइन थिंग्स तो ऐसा करते हैं दोनों कॉपर की बनी हुई है तो रेजिस्टिविटी तो वैसे ही सेम है तो पहले वाले की रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आ गया रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो हम लोगों जो यहाँ पर टेन ओम बताया गया है जो जिस वायर की रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी रेजिस्टिविटी जो मेरे पास लेंथ ऑफ वायर है डिवाइडेड बाय जो मेरे पास एरिया ऑफ द वायर है तो तुम देखो ना दिस इज थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ रो एल ए तो रो एल ए की वैल्यू टेन है ना तो ये मेरे पास आया थर्टी बाय टू बोले तो पंद्रह ओम सबसे बेसिक इतना नीच लेवल नहीं है देखो इतना छोटा लेवल नहीं है नीट का ये तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं हैं बाकी अगर नीट का लेवल इतना वेरी वेरी जेनविन एक बार जरा सा देख लीजिए तो ये मुझे छोटा सा बोनस डिस्कशन करना था द रीजन कि हम लोग यहाँ पर ना वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम और करंट के बारे में बात करेंगे जिसके बाद हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को लिखेंगे टर्म्स टर्म्स में में रेजिस्टिविटी को लिखेंगे की टर्म्स में. तो ये एक बार का डिस्कशन होना इम्पोर्टेंट था तो अब मेरा तीसरा टॉपिक देखो तीसरा टॉपिक अगेन अनरिलेटेड है जैसे कि थर्मल ऑफ रेजिस्टेंस वॉज नॉट रिलेटेड टू एवरेज करंट एंड फलाना ढमकाना राइट वैसे ही ये टॉपिक है छठा हुआ टॉपिक है तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर मानू मैं एक वायर की बात करूँ तो वायर के अंदर चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लगाऊं या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ना लगाऊं इलेक्ट्रॉन्स की तो वेलोसिटी होनी चाहिए ना बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो देखो ना कितने छोटे पार्टिकल्स हैं तो इतने छोटे पार्टिकल्स तो रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी गेन करके ही मूव करने लग जाएंगे तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस चाहे हो या ना हो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी ज़रूर रहेगी लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी होने के बावजूद करंट नहीं आता है और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब फिर बाद में इस मोशन की वजह से करंट आ जाता है सो बेसिकली व्हाट वी आर ड व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज दैट लेट अस नॉट टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द कलेक्टिव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो जो वेलोसिटी की वैल्यू मुझे कलेक्टिव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को स्टडी करके

ऑब्वियस ही बात है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है लेकिन मानो अगर मुझे कलेक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को देख के अगर उस गैस को मुझे एक वेलोसिटी देनी हो तो उसको हम लोग आर एम एस वेलॉसिटी देते हैं आर एम एस वेलॉसिटी बोलते हैं सेम चीज़ यहाँ पर है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी तो है ही लेकिन लेकिन एक वायर के अंदर कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाती हूँ तो देखना अगर मानो मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊ इलेक्ट्रॉन तो अब भी मूव कर ही रहा है ना मानो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अब भी तो मूव कर ही रहा है ना फर्क बस इतना है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होगी कैसे भी मूव करेगा सो आई कैन से कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं लगा रही हूँ लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है कि अगर मानो मैं कलेक्टिव मोशन नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करूं तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं मूव किया दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी वजह से कोई करंट नहीं आ रहा है अब मानो अगर मैं को लगा दूं तो, को लगा ना तो मानो तुमने इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इसका मतलब क्या कि मानो अगर मैं अब की बार एक और इलेक्ट्रॉन लूं तो मैं ये नहीं बोले अब ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा लेकिन अब जब तुम इसके मोशन को कंसिडर करोगे ना तो तुम लोगों को दिखेगा कि भाई कुछ तो चेंज आया है कि देखो अब भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है माना लेकिन इसका जो नेट नेट मोशन मोशन है वो नेट मोशन तुम लोग एक डायरेक्शन में बता पाओगे कि भाई यहां पर पहले भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था बाद में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है यहाँ पर बस ये है कि नेट डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन का डिफाइन नहीं कर पाते यहाँ पर लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है भले अब भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है लेकिन जो भी है तुम लोग इस डायरेक्शन में इसके नेट मोशन को देख पा रहे हो ना तुम बोल सकते हो ना कि हाँ भाई कुछ टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा तो आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले भी थी अब भी है फर्क बस इतना है पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन डिफाइंड नहीं था रैंडमली जिक्जैक्ट मोशन शो कर रहा था जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे ना पहले स्ट्रेट लाइन मोशन था ना बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन है बस पहले नेट मोशन एक डायरेक्शन में नहीं था पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद मैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक डायरेक्शन दे सकती हूँ मुझे देखने में पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है वायर so in, चाहे मैं वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊ या फिर लगाऊ तो बेटर है ना लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखने से बेटर है डायग्राम में करा दो देखो तुम्हें डायग्राम में सब पता लग रहा है तो ये तो हो गया है ड्रिफ्ट विलोसिटी अब अगर मैं एक और कंसेप्ट की बात करूं जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम तो तुम देखो ना यार हम लोग यहाँ पर सी बात है कि एक वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सी बात है वो कोलाइड भी कर रहे होंगे ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊं तो कोलिजन नहीं हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो कोलिजन होने लग जाएगा या फिर वाइस वर्सा ऐसा तो यहाँ पर है नहीं सो आई कैन से कि यहाँ पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन और अगर मानो सारे इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बार बार या तो वॉल ऑफ दायर्स से या फिर इस वायर के अंदर जो और इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ कोलाइड करता है तो जो एवरेज टाइम है दो कोलिजन के बीच में दैट इज इट उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है इससे बढ़ के कुछ नहीं है तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से देखो हम लोग ये बोलते नहीं है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा वो यहीं से एक्सप्लेन होता है कि भाई देखो अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी चेंज आएगा ध्यान से देखना अभी जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो एक कंडक्टर के लिए कर रही हूँ रेजिस्टर भी एक कंडक्टर ही होता है इंसुलेटर नहीं होता रेजिस्टर के अंदर से करंट जा पाता है ना भले ही उसकी रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली बड़ी होती है लेकिन है तो कंडक्टर ही ना रेजिस्टर भी कंडक्टर ही होता है इंसुलेटर नहीं होता तो अगर मैं कंडक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट चेंजिंग सिग्निफिकेंटली व्हाट इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली इज कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर uh, को बढ़ा दिया जो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से वो तेजी तेजी से मूव करेंगे तो तेजी तेजी से मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ पुलिस भी इंक्रीज हो जाएगा कि भाई कोलिजन पहले भी हो रहा था कोलिजन बाद में भी हो रहा है बस अब जितनी जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो गया तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया इसका मतलब जो टाइम गैप है दो कोलिजन के बीच में जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है जिसको टाउ से डिनोट करते हैं तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी

सो आई एम नॉट ऑबलाइज टू टीच ऑल ऑफ यू एनी ऑफ मैं सारी डेरीवेशन स्किप करा सकती हूँ गिवन आज 10 अप्रैल है और तुम्हारा एग्जाम 5 मई को है बट स्टिल कुछ कुछ डेरीवेशन में नहीं स्किप करवाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईजी और कंसेप्चुअल है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से ना सोच के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए का इस्तेमाल करो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी ये वाली वैल्यू जीरो थी सो आई कैन से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑफ द द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन और जो टाइम मल्टीप्लीकेशन में दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम इस तरीके से तुम लोग वहां पर क्विकली डिराइव कर सकते हो अगर मानो तुम लोग ये जो फाइनल इक्वेशन है तुम अगर उस फाइनल इक्वेशन को अगर भूल भी जाते हो तो एक्सेलरेशन तो आ गया फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन द इलेक्ट्रॉन है ना तो तुम्हारे पास आए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस इज द इक्वेशन ध्यान से देखना मैं इस इक्वेशन की मैं बात कर रही थी तो ये मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया है छोटी सी कंसेप्चुअल डेरिवेशन uh, दे दी है ताकि तुम लोग क्विकली डिराइव कर सको और तुम्हारी मेमोरी के ऊपर ये ना बेस्ड हो कि तुमसे वो जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा कि नहीं होगा तुम्हें निकालना आना चाहिए तो ये है वो इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाव को रिलेट कर सकते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली बात है है ना सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बात है नेगेटिव साइन यहाँ सिग्निफाई कर रहे हैं कभी भी अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन हो जहां पर राइट हैंड साइड में एक वेक्टर हो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर हो और नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन यही बताता है ना कि मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मुझे यही बता रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों क्या है दोनों मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये जायज सी बात भी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो ऐसे फोर्स लगेगा ना सो आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक uh, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा जिनको डेरिवेशन का रिपीटेशन चाहिए रिकॉर्डिंग देख लेना बाकी दिस इज द इक्वेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट चाहे तुम रट लो अगर तुम्हें रटना है या फिर अगर तुम कंसेप्चुअली इसको डिराइव कर सकते हो कर सकते हो सो दैट इज द बेस्ट वे दूसरी मेरे पास जो इक्वेशन आ जाती है जो मुझे हेल्प करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को रिलेट करने में जिसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं गिवन दस अप्रैल पाँच में तो वो वाली इक्वेशन है मेरे पास ये कि ये वाली इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक कर पा रहे हैं ये वाली इक्वेशन की हेल्प से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मानो अगर मेरे पास एक वायर हो ठीक है उस वायर के अंदर जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम अगर उसकी वैल्यू स्मॉल एन है ए इज एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ऑफ द वायर है ना E 1.6 into 10 इलेक्ट्रॉनिक to सिक्स minus 19 coulomb. So this is how we relate the current in the wire with the drift velocity in the wire. अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं या तो यही क्वेश्चन तुम्हें one of the options में दिख जाएगी या तुम्हें जो क्वेश्चन हैं proportionality based आएंगे जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूँ कि भाई मेरे पास ना इस तरीके से एक वायर थी नॉन यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया की एक वायर थी दो क्वेश्चन कराऊंगी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते और क्वेश्चन प्रैक्टिस कल तीन बजे करेंगे है हाँ ना तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये नॉन सेक्शनल एरिया की वायर है और क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है दो पॉइंट्स को लिंक करो एक ये वाला पॉइंट जहाँ पर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ए है ठीक है दूसरा ये वाला पॉइंट जहाँ पर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन फोर ए है तो तुम्हें बोला हुआ है अगर यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू एन है और यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अगर फोर एन है तो तुमसे पूछा हुआ है यहाँ पर ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहां पर वेलोसिटी का रेशियो निकालो तो अभी हम लोग इतने सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और हम लोगों ने उतने सारे चैप्टर्स में ये क्वेश्चन टाइप देखा हुआ है कि भाई अगर ऐसे हो रहा, तो रहा, तो रहा है तो ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा तो कैसे होगा तो रिलेट करो ना ऐसे और ऐसे को कि अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है तो दोनों को रिलेट करो ना तो तुम अगर मुझे एरिया का कंपैरिजन देखे स्मॉल एन का कंपैरिजन देखे अगर आप मुझसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो मुझे इन सब को रिलेट करना पड़ेगा तो रिलेट करंट की हेल्प से कर दो ना सीरीज में ही तो हैंगे ऐसे थोड़ी होगा कि वायर की एक जगह छ एम्पेयर का करंट है दूसरी जगह दस एम्पेयर का करंट है करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना कि मानो अगर यहाँ पर करंट आई है तो यहां पर भी करंट आई है तो अगर मानो मैं ये वाली इक्वेशन ले लू एन -E तो दूसरे पॉइंट के लिए करंट की वैल्यू सेम है पहले और दूसरे पॉइंट के लिए E की वैल्यू सेम है तो तुम बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस केस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस खत्म अब रह गया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इक्वेशन दैट बी डी वन बाई बी डी टू इट इज गोइंग टू बी गिवन बाई एन टू ए टू बा तो अगर पहले वाले की नंबर डेंसिटी एन है दूसरे वाले की नंबर डेंसिटी फोर एन है अगर पहले वाले की एरिया ए है तो दूसरे वाले की एरिया फोर ए है सिक्सटीन गिव्स वन गिव आंसर दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन देखो <coughs> ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है वेक्टर्स ही नहीं है ना देखो टॉपिक्स इजी हैं वो अलग वेक्टर ही नहीं है ना तो जिस चैप्टर के अंदर वेक्टर ना हो तो वो तो कुदरती इजी हो जाता है एक और क्वेश्चन तुम्हें कराती हूँ लो मैं तुम्हें तो बोलू कि भाई मेरे पास ना एक और वायर है ठीक है वो जो वायर है नॉन यूनिफॉर्म क्रोसेक्शनल एरिया की है जहां पर दो पॉइंट्स को कंपेयर करने को बोला है तुम्हें तो बोला गया कि यहाँ पर एरिया ए है यहाँ पर एरिया थ्री ए है तो अगर मानो दोनों जगह नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है तो अब बार तुमसे पूछा हुआ है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई वन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ई टू है तो दोनों के बीच में रेशियो निकालो ऑलवेज टेक द डायरेक्ट अप्रोच कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी एक ही इक्वेशन में आया है वहीं से सॉल्व होगा हम नहीं जानते कैसे सॉल्व होगा लेकिन वहीं से सॉल्व होगा हमारे पास एक ही इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मानो मैं मैग्नेट्यूड लिखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू सेम है दोनों जगह टाओ की वैल्यू सेम है दोनों जगह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है तो तुम देख पा रहे हो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर बेसिकली तुमसे पूछा हुआ है पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना है मतलब तुम ये निकाल लो पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका क्या रेशियो है तो तुम देखो ना बच्चों सेम ही तो वायर है वायर सेम है तो करंट भी तो सेम ही होगा ना कि मानो अगर यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर भी करंट आई है तो अभी तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स को लिंक करना है दोनों पॉइंट्स के करंट को तुम लिंक कर पा रहे हो सेम है दोनों पॉइंट्स के एरिया ऑफ प्रोसेक्शन को तुम रिलेट कर पा रहे हो दोनों पॉइंट्स के नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तुम रिलेट कर पा रहे हो सो वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एरिया यू ओनली हैव वन इक्वेशन There are no two equations to get confused between. आगे कहीं नहीं आएगी सिर्फ इसी टॉपिक में आएगी लेकिन इस टॉपिक के लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है तो तुम बोलोगे की भाई अब की बार तो इन दोनों पॉइंट के लिए करंट की वैल्यू सेम है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है और ई e की वैल्यू भी सेम है तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये वाली वैल्यू सेम है पहले वाला एरिया ए है तो दूसरे वाला एरिया आ गया थ्री ए वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाय नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन करा दिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते देखिए हाँ जी जिन जिन को समझ आया वीडियो को लाइक कर देंगे अगर अभी तक नहीं किया क्योंकि हेल्प तो था, था कि हो जाए एक आ गया वेलोसिटी को करंट के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है फिर आगे मेरे पास आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम को रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है ये तीन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा है है ना वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो याद ही कर लो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ लेकिन बहुत ही छोटी और कंसेप्चुअल डेरिवेशन है तो मैं बता देती हूँ कि तुम्हें आर और टाउ को लिंक करना है टाउ इज रिलेटेड विद ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द करंट तो मैं आई और आर को लिंक करने से शुरुआत करती हूँ तो मेरे पास आई और आर को लिंक करूँ तो वी इज इक्वल टू आई आर मेरे पास आ जाता है जिनको डेरिवेशन की रिपीटेशन चाहिए रिकॉर्डिंग देख लेना जिनको स्किप करनी है सिर्फ चाहे फॉर्मूला याद कर लेना ये फार्मूला आगे कहीं नहीं आएगा लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैंने सोचा वी इज इक्वल टू आई आर से ही सॉल्व करती हूँ अब जो मेरे पास करंट है देखो करंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके आना चाहती हूँ क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही टाउ आएगा तो करंट हो गया मेरे पास एन ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने लिख दिया एज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाय एम पोटेंशियल डिफरेंस इन द वायर इज गोइंग टू बी गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर तो ई एल की वैल्यू आ गई एन ए ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ कैपिटल आर बाय एम रीअरेंज कर दो आर की वैल्यू आ गई एम एल बाय एन ए स्क्वायर टाउ दी मैथमेटिकल प्रूफ दैट दी रेजिस्टेंस ऑफ दायर इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रपोर्शन टू द रिलैक्सेशन टाइम ये मैं तुम लोगों को बता रही थी कि बहुत ही ज्यादा ईजी डेरीवेशन है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ बाकी ये इक्वेशन याद रखो भाई अगर तुम्हें डेरीवेशन नहीं पसंद आ रही है तुम्हें डेरीवेशन डिफिकल्ट लग रही है कोई दिक्कत की बात नहीं रट लो ये वाली इक्वेशन इन इक्वेशन का आगे कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन ये इक्वेशन यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं तो तुम देखो हम लोग मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया भी था कि टाउ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये आ गया तुम्हारे पास मैथमेटिकल प्रूफ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देखो आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तेल नहीं है ना बालों में देखो है ना अब यहां से तुमसे रेजिस्टिविटी भी पूछी जा सकती है या फिर आई लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस मानो मैं तुम लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन देखना मैंने तुम्हें बोला कि रेजिस्टिविटी को टाउ के टर्म्स में लिखो कंडक्टेंस को टाउ के टर्म्स में लिखो कंडक्टिविटी को टाउ के टर्म्स में लिखो राइट ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ टाउ क्वेश्चन राइट ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ टाउ ऑफ तो या तो याद रख लो बच्चों तो है, है वो याद रखने वाली नहीं है लेकिन ये इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते तो याद कर लो. This is the between resistance and the अब अगर सबसे पहले अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं वट इज दिस तो कंडक्टेंस क्या होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास एन ए स्क्वा अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की तो तुम देखो ना बच्चों रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया तो जब हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइड जब हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं एज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया तो वो समथिंग ही रेजिस्टिविटी होता है ना

तो ये वाली वैल्यू आ गई कितने n e स्क्वायर टाऊ बाय m ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है ये जरूर याद रखना है देख लो एक बार आई एम होपिंग दैट दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे-कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे एक्सटेंडेड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से ऐसे uh, प्रपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर से पूछ ले जाएं, एक वो वाले बाकी हमारा कल ऑलरेडी तीन बजे प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जिसके अंदर हम लोग कुछ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करेंगे ठीक है जी ये मेरा हाँ, अब तीसरा टॉपिक भी खत्म अब मानो अगर मैं चौथे टॉपिक के ऊपर आ जाऊँ वन थर्ड ऑफ द्लास खत्म

जस्ट गिव मी अ टू मिनट ब्रेक ठीक है एलेवन एट इलेवन ए एम के ऊपर मैं वापस आती हूँ गिव मी अ टू मिनट ब्रेक हाँ जी प्लीज कंफर्म कीजिए दैडम के लिए ऑडिबल एंड विजिबल हाँ जी ऑडिबल विजिबल ऑडिबल विजिबल फटाफट से कंफर्म कर दो ताकि हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जिसका नाम है ओम्स लॉ इतनी नींद में बच्चों आज क्लास ले रहे हो ना मतलब दिल कर रहा है बस दो मिनट और आंखें बंद करके बस ऐसे चाहे बैठ जाऊँ अगर लेट भी ना पाऊँ तो आई एम uh, uh, मैं एक्चुअली ना no, बहुत ही बे टेम हो गई थी मतलब टाइम के हिसाब से नहीं सोई साढ़े छः बजे सो गई शाम को सोचो आई डोंट इज वाई राइट वाढ़े छः बजे मैं सो गई फिर बाद में मैं एक बजे उठी और क्लास से जस्ट पहले मैंने खाना खा लिया so like now i just want to just bloody let me rest and stop and isliye इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस है आंख बंद करने का दिल कर रहा है चलो खत्म तो करेंगे नो मैटर वॉट भाई ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हुए तो ओम्स लॉ बड़ा ही बेसिक सा लॉ है यार अगर मानो तुम्हारे पास कभी भी कोई भी रजिस्टर हो जिसके रजिस्टेंस की वैल्यू आ रहे हैं। तो अगर मानो उस रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो कर जाए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा उसने रजिस्टर के अक्रॉस या फिर मैं ये बोल सकती हूँ अगर एक रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी वजह से कितना करंट फ्लो करेगा इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ओम्स लॉ बोला गया है विच इज़ नॉट विच इज़ बी इज इक्वल टू आई यार इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ या तो मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई एक रजिस्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर मैं ये बोल दूँ कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है एक रजिस्टर के अक्रॉस उसके अक्रॉस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये जो वी आई और आर के बीच में रिलेशनशिप है दैट इज दी ओम्स लॉ तो अगर मानू मैं किसी भी रजिस्टर के लिए वी और आई के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो तुम देख पा रहे हो वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा

एग्जामिनर है वो खींच के तमाचा मारेगा वेरिएबिलिटी का और फिर तुम आंसर गलत कर दोगे जैसे कि अगर मानो मैं ये वाला ग्राफ दूं तो इसका स्लोप आर नहीं है ध्यान से देखो ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे आई है एक्स एक्सेस पे वी है तो यहाँ पर जो स्लोप है मुझे आई डिवाइडेड बाई वी देगा जो मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बोला हुआ है कि भाई मेरे पास एक ही रजिस्टर है उस एक रेजिस्टर को मैंने कुछ टेम्परेचर टीवन के ऊपर प्लॉट किया तो रेजिस्टेंस उसने ऐसे दी जब मैंने उसको टी टू के ऊपर प्लॉट किया तो रेजिस्टेंस उसने कुछ ऐसे दी तो तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि कौन सा टेम्परेचर हायर है टी वन टेम्परेचर हायर है या फिर टी टू टेम्परेचर हायर है तो तुम ये हिसाब लगाओगे कि भाई यहां पर जो है, जहां पर टेम्परेचर बड़ा है सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टू देशर कि जितना बड़ा टेम्परेचर होगा उतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस है वायर दिखा रहा होगा तो मुझे यहाँ पर बस ये देखना कि कहां पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो तुम देखो ना यहाँ पर स्लोप क्या है स्लोप की तो वैल्यू ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इसका मतलब ये छोटे टेम्परेचर के ऊपर है तो कौन सा मटेरियल हायर तो कौन सा आई कैन से कौन सा टेम्परेचर हायर है तो टेम्परेचर हायर कौन सा आ गया मेरे पास टी टू है ना तो स्लोप वगैरह निकालना सीखो रटो मत की स्लोप ऐसे होता है स्लोप आ जाएगा यहाँ पर आ गया आई बाई वी आई बाई वी का मतलब क्या वन बाई आर एक बार देख लो है ना तो ये मेरे पास ओम्स लॉ है अब ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स खिरशअफ लॉ पावर सेल्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स सब ओम्स लॉ के एप्लीकेशन हैं मैं देखो चिंगे पिंगे क्वेश्चन मैं ऐसे करवाना नहीं चाहती तो, तो मैं ऐसे हाईलाइटर की हेल्प से करवा देती हूँ मानो मैं तुम्हें तो बोलूँगी भाई ये मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर है ठीक है एक ऐसा रजिस्टर है कि अगर इसके अगर में दस वोल्ट की बैटरी लगाऊँ तो दो एम्पेयर का करेंट जाता है ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे यार अब तो तुमसे आर की वैल्यू पूछी जाएगी तो तुम बोलोगे कि भाई एक ही रजिस्टर है बी इज इक्वल टू तो आई आर लगा दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दस वोल्ट का दो एम्पेयर का करंट इसके अक्रॉस फ्लो किया है तो ऑब्वियस बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू पांचों मानी चाहिए सो so, इससे बेस्ट ये है कि हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर ना ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर जैसे कि हम लोग दो तरीके के कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं एक मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन आ जाता है एक मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ जाता है सीरीज कम्बिनेशन का मतलब एक के बाद दूसरा तो मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस सीरीज कम्बिनेशन को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो वी के पोटेंशियल के ऊपर है तो बैटरी से अभी यहाँ पर कुछ करंट निकलेगा बैटरी से जो करंट निकला है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वही पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा वही दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा तो मैं बोल दूंगी कि भाई जो करंट कम्बिनेशन के अक्रॉस है उतना ही करंट पहले वाले के अक्रॉस भी है उतना ही करंट दूसरे वाले के अक्रॉस भी है

v इज इक्वल टू आई आर पहले वाले के ऊपर भी लगेगा दूसरे वाले के ऊपर भी लगेगा हजारवे के ऊपर भी लगेगा कम्बिनेशन के ऊपर भी लगेगा तो फिर बाद में तुम यहाँ पर लिख दोगे दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल दिस इज करंट अक्रॉस द दम्बिनेशन रेजिस्टेंस अक्रॉस द दम्बिनेशन ये मेरे पास आ गया आई वन आर वन ये मेरे पास आ गया कितना आई टू आर टू करंट सेम है तो ये चला गया तो तुम्हारे पास आ गया कि जो रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में आएगा इट इज आर वन प्लस आर टू पार्लिल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास दो है, वो सेम है। तो मैंने इस पार्लिल कम्बिनेशन को वी की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि मानो अगर बैटरी ये वाला टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर किसी पोटेंशियल के ऊपर है तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सेम पोटेंशियल के ऊपर है हाँ जी उसी तरीके से अगर मानो मैं अभी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की बात करूं है ना तो ये देखना एक बार जरा सा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये वाली वायर से कनेक्टेड है तो ये वायर सारी -सारी के सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है तो तुम लोग फिर यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कम्बिनेशन के अक्रॉस है वही मेरे पास दूसरे वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी है वही मेरे पास पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी है देख लो जितने भी रजिस्टर्स हैं

ये ऐसे टूटेगा कि मानो ऊपर करंट चला गया आई वन और नीचे करंट चला गया आई टू तो ये ऐसे टूटेगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आई वन आर वन और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है टू वो सेम हो जाए है ना बाकी अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ़ कंबिनेशन के ऊपर फोकस करूं तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो करंट अक्रॉस द कंबिनेशन इट इज इक्वल टू तो आई वन प्लस आई टू तो मेरे पास आ जाएगा ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कम्बिनेशन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस अक्रॉस दम्बिनेशन इट इज़ पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उसकी रेजिस्टेंस प्लस दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उसकी रेजिस्टेंस तो तुम देख पा रहे हो ये कैंसल आउट हो गया क्योंकि सेम था और मेरे पास क्या आ गया मेरे पास आ गया वन डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस इन दैरल कम्बिनेशन

तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है है ना लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट क्योंकि अल्टीमेटली बात तो क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाती है जैसे कि मैं तुम्हें चार और ओम को मैंने बीस वोल्ट से कनेक्ट कर दिया मैंने तुम्हें बोला कि हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो स्टार्ट करो सॉल्व करना उस वे से जो सॉल्व जिस वे को अप्लाई करना सबसे इजी हो जैसे कि तुम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो जैसे कि तुम बोल दो ना कि देखो आएगा आंसर v ir से मैं बस बोल रही हूँ कि ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मुझे पता लग रहा है ना कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के आगे मेरे पास 10 ओम मुझे ये भी पता लग रहा है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो है 20 वोल्ट तो मेरे पास जब कॉम्बिनेशन के लिए दो चीजें या तो दी हुई है या फिर निकालना बहुत इजी है तो मैं कॉम्बिनेशन से शुरू करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कि भाई जो करंट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो मेरे पास आ गया v कॉम्बिनेशन बाय r कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 वोल्ट बाय 10 ओम जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2 एंपियर तो मुझे समझ आ गया ना हमेशा डायग्राम बना के रखो बड़ा सा डायग्राम अब ये देखो मुझे सारे के सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट पता लग गया दोनों के अक्रॉस जो करंट है वो दो एम्पेयर है अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने निकालने को बोलेंगे तो भाई वी इज इक्वल टू आई आर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो उसी तरीके से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास आ गया कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहुत ही जेनुअन क्वेश्चन देखिएगा एक बार नेक्स्ट मेरे पास बच्चों ये आ जाता है कि मनो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना ऐसे एक बैटरी है बैटरी से मैंने क्या किया ना इस तरीके से दो रजिस्टर्स को कनेक्ट किया ध्यान दे देना इस बैटरी से बच्चों मैंने यहाँ पर दो रजिस्टर्स को कनेक्ट किया एक छे ओम का और एक बारह ओम का तुमसे अभी यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि मानो अगर ये जो बैटरी है अगर मानो ये बैटरी पांच वोल्ट की है तो तुमसे पूछा हुआ है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस करंट बताओ और इसके अक्रॉस करंट बताओ तो V इज इक्वल टू आई आर दोनों के लिए I पूछा हुआ है दोनों के लिए R गिवन है दोनों के लिए एक तरीके से V भी गिवन है तुम देखो ना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो पांच वोल्ट है तो कायदे से फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पांच वोल्ट आना चाहिए और उसी तरीके से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पांच वोल्ट आना चाहिए तो अगर वी इज इक्वल टू आई आर में से तुम्हें दो चीज दे दी जाए तो तीसरी चीज निकालना बड़ी बात थोड़ी होती है लगाओ इसके लिए वी इज इक्वल टू आई आर वी वन इज इक्वल टू आर वन आई वन तो पोटेंशियल डिफरेंस है पांच वोल्ट का ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस तो कितने करंट की वजह से वो आएगा फाइव बाई सिक्स एम्पियर करंट की वजह से V इज इक्वल टू आई आर इसके लिए भी लगा दो कि भाई देखो वी टू इज इक्वल टू आई टू आर टू पाँच वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना करंट आएगा अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बारह ओम है तो ये वाले करंट की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई ट्वेल्व एम्पियर इसका मतलब समझे इसका मतलब बच्चों ये है कि ये वाला जो करंट है ध्यान देना इसका मतलब ये है कि ये वाला जो करंट है वो वाले करंट की वैल्यू है फाइव बाई सिक्स एम्पियर है ना और उसी तरीके से ये वाला जो करंट है उस करंट की वैल्यू है फाइव बाई 12 तो अगर मानो मैं तुमसे ये भी पूछती कि भाई बताओ बैटरी कितना करंट दे रही है तो बता दो भाई बैटरी है इट इज इक्वल टू फाइव बाई वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फिफ्टीन बाई ट्वेल्व एम्पियर कि भाई अगर यहां से फाइव बाई सिक्स एम्पेयर गया है यहां से फाइव बाई ट्वेल्व एम्पेयर गया है तो कितना आया है कितना आया है जितना आ, आएगा उतना ही जाएगा ना दिस इज़ इजर्वेशन ऑफ चार्ज कि बैटरी जब मुझे 5 by 6 plus 5 by 12 का करंट देगी तब जाके पर पर जाएगा 5 by 6 और यहां पर जाएगा और तो इलेक्ट्रिसिटी का ना वो यही निकालना है कि पैरल कंबिनेशन में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे कि मैं तुम्हें ये बोलूं, कि भाई मेरे पास तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में थे 100 ओम का करंट आया इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा है ना इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा तीनों करंट तुमसे पूछे हुए हैं तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना होता ये सारी ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं कि भाई तुम देखो ना सबके लिए i r की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना तीनों अगर पार्लल कॉम्बिनेशन में है तो तीनों के लिए I मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए मानते हो तो I मल्टीप्लाइड बाय आर तुम लोग कैसे सेम करोगे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई यहाँ से लेट मी से तो तुम्हें I मल्टीप्लाइड बाय आर सेम करना है तो तुम बताओ क्या करो तुम ऐसे इसको सॉल्व करो कि वन टू और थ्री तुम देख लो वन टू और थ्री के टेबल में कौन सी कौन सा चीज सबसे पहले आता है तो वो मेरे पास छे बनता है तो तीन को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो छ आएगा दो को तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो छ आएगा एक को छ से मल्टीप्लाई करोगे तो छ आएगा तो मैंने ये सोचा इसको मैं आगे दो बार और रिपीट करने वाली हूँ तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना मैं तुम्हें बोल रही हूँ लेट मी टेक अ कंसेप्चुअल अप्रोच ना कि आई मल्टीप्लाईड बाय आर सेम होना चाहिए आई मल्टीप्लाइड बाय आर चाहिए, तो मेरे पास आर तो है ही तो मैं तुम्हें तो बोलू इस आर के आगे वन है इस आर के आगे टू है इस आर के आगे थ्री है तो करंट इन तीनों के अक्रॉस कुछ ऐसे आएगा कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करू तो सेम नंबर मुझे मिल जाए तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई एक दो और तीन को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूँ सच दैट वो वो सेम नंबर आए तो वो छे हो सकता है क्योंकि तीनों के टेबल में जो सबसे छोटा नंबर पहले आ रहा है वो छे है तो जब मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दू जब मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दू जब मैं इसको छे से मल्टीप्लाई कर दू तो मैंने सोचा कि यहाँ पर करंट कुछ ऐसे टुकड़ों में टूटेगा सच दैट उसके दो टुकड़े यहां पर जाए तीन टुकड़े यहाँ पर जाए छह टुकड़े यहाँ पर जाए तो बेसिकली यहाँ पर जो करंट है ग्यारह टुकड़ों में टूट रहा है देखो यहाँ पर जो करंट है ग्यारह टुकड़ों में टूट रहा है इसका मतलब एक टुकड़े की वैल्यू है हंड्रेड बाई इलेवन एम्पियर तो उनमें से छह टुकड़े यहाँ पर गए मतलब यहाँ पर आया सिक्स हंड्रेड बाई इलेवन एम्पियर यहाँ पर तीन टुकड़े आए तो ये मेरे पास आ गया थ्री हंड्रेड बाई इलेवन एम्पियर यहाँ पर दो टुकड़े आए तो ये मेरे पास आया टू हंड्रेड बाय इलेवन एम्पियर ऐसे सॉल्व किया जाता है कुछ बड़ी बात नहीं की अगर तुम्हें बेसिक मैथ आती है ना कि ए तो मल्टीप्लाईडी तो तो करने के लिए तीन को दो से मल्टीप्लाई करोगे दो को तीन से मल्टीप्लाई करोगे एक को छ से मल्टीप्लाई करोगे लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन बोलूं ये तीन रेजिस्टर्स मेरे पास इस तरीके से पैरेलल में हैं Uh, एक मिनट जस्ट वन सेकेंड तीन रेजिस्टर की जगह ना दो देती हूँ मैं भूल जाती हूँ कभी कभी तुम्हारा इंटेलेक्ट कहने को तुम नीट आस्परेंट हो भाई दिमाग नहीं है तुम्हारे नीट आस्परेंट वाले देखना मानो मैं ये इस तरीके से दो रेजिस्टर्स ले लू मैंने बोला कि भाई मेरे पास ना 20 एम्पेयर आया अब तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसके अक्रॉस कितना करंट गए इसके अक्रॉस कितना करंट गए तो भाई दोनों अगर पैरेलल कंबिनेशन है तो आई मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड सेम होगा ना तो आर का कंपैरिजन गिवन है कि अगर मानो ये दो है ये तीन है तो दो और तीन के टेबल में कौन सी है वो चीज टेबल का मतलब क्या मल्टीप्लाइड बाय डैश वही तो कर रहे हो आई मल्टीप्लाइड बाय आर तो तुम देखो ना दो और तीन को दो और तीन के टेबल में कौन सी चीज कॉमन आती है आती है ना सबसे छोटा नंबर जो दो और तीन में में आ है आ रहा है ना। आ रहा है है ना ना तो तीन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे दो से मल्टीप्लाई करोगे और दो को छ में कन्वर्ट करने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बोल दूंगी कि भाई यहाँ पर करंट कुछ ऐसे टूटेगा कि यहाँ पर उस करंट के दो हिस्से आ जाएं और यहाँ पर उस करंट के तीन हिस्से आ जाएं। देखो आईआर और आई आर सेम आ गया तो तीन हिस्से ऊपर जा रहे हैं दो हिस्से नीचे जा रहे हैं मतलब यहाँ पर जो करंट है पांच हिस्सों में टूट रहा है ना तो अगर बीस एम्पेयर पांच हिस्सों में टूट रहा है तो एक हिस्सा चार एम्पेयर का आया तो चार एम्पेयर के ऐसे दो नीचे गए हैं मतलब नीचे आठ एम्पेयर आ गया ऐसे तीन ऊपर गए हैं तो ऊपर बारह एम्पेयर आ गया इतनी लॉजिकल चीज बोल रही हूँ देखो ये फिजिक्स नहीं लगा रहे हम लोग ये तो हम लोग थोड़ा सा मैथ्स के साथ खेल रहे हैं दैट आई मल्टीप्लाइड बाय आर सेम होना चाहिए आर चाहे मुझे कंपैरिजन में गिवन हो या एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो कोई दिक्कत की बात नहीं है करंट के हमेशा टुकड़े करो लेट ये वाला क्वेश्चन देखना आपके बार मानू मैं पांच ओम को इस तरीके से पैरेलल में लगा देती अब मैं तुमसे पूछती कि इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू बताओ तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है ना तुम्हें यहाँ पर क्या करना है तुम्हें तीनों के अक्रॉस i r की वैल्यू सेम करनी है तो r का कंपैरिजन गिवन है तो तुम्हें करंट कुछ ऐसे लेना है कि आई मल्टीप्लाइड बाय आर सेम हो जाए तो कैसे करोगे तुम देखो इन तीनों की टेबल में कौन सी है वो छोटी सबसे पहली वैल्यू जो सब में आती है सो दैट इज थर्टी तीनों के टेबल में जो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन है दैट इज थर्टी ना फाइव मल्टीप्लाइड बाय देखो ना फाइव मल्टीप्लाइड करके थ्री मल्टीप्लाइड करके टू मल्टीप्लाइड करके दैट इज थर्टी ना तो थर्टी ले आओ कि तीनों को मैं थर्टी की टर्म्स में लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे यही करना है ना आर मल्टीप्लाइड बाय करंट को सेम करना है तो मैंने सोचा कि वो नंबर में थर्टी कर दूंगी आई मल्टीप्लाइड बाय आर वाले नंबर को थर्टी कर दूंगी कैसे करूंगी थर्टी तब करूंगी जब मैं इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करूँ इसको मैं टेन से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करूँ इसका मतलब यहाँ पर करंट के छः टुकड़े गए हैं यहाँ पर करंट के दस टुकड़े गए हैं यहाँ पर करंट के पंद्रह टुकड़े गए हैं मतलब जो करंट है उसके 21 टुकड़े हुए हैं ना अगर 15 टुकड़े ऊपर जा रहे हैं 10 टुकड़े बीच में जा रहे हैं 6 टुकड़े अगर नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब 31 टुकड़े हुए हैं ना इसका मतलब मैं बोल दूंगी कि ये जो 20 एम्पेयर है 31 टुकड़ों में बट रहा है इसका मतलब एक टुकड़े की वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाय थर्टी वन तो ऐसे पंद्रह ऊपर जा रहे हैं मतलब ये वाला करंट आ गया फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी बाय थर्टी वन एम्पियर ऐसे दस टुकड़े यहाँ पर बीच में जा रहे हैं तो बीच वाला करंट आ गया टेन टाइम्स ऑफ ट्वेंटी बाय थर्टी वन एम्पियर अगर ऐसे छह टुकड़े यहाँ पर जा रहे हैं तो इस करंट की वैल्यू आ गई कितनी ये वाली वैल्यू आ गई सिक्स टाइम्स ऑफ ट्वेंटी बाय थर्टी वन एम्पियर एक बार बता के दो बार रिपीट करा दिया और करेंगे कल की क्लास में और जो रिपीटेशन होगा हमारे आ, कुदरती रिपीटेशन होगा बिकॉज हर जगह वीज इक्वल टू तो आई आ रही है तो ये मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी दिस इज द क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कि कैसे पैरल कम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इफ आई हैव टू गिव यू अरिका आई मल्टीप्लाईड करना है आर वाला नंबर पता लग जाए तो तुम देख लो ना कि सबका आर वाला नंबर पता लग गया सबके लिए आई आर तुम्हें सेम करना है तो देख लो कि तीनों को तीनों के लिए कौन सा वो नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है यहाँ पर वो थर्टी आ गया था तो मुझे पता लग गया पर मल्टीप्लाई होगा दस मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा पर पर आ गया था तो मल्टीप्लाई होगा पर तीन मल्टीप्लाई होगा यहां पर अगेन छ था तो यहां पर दो मल्टीप्लाई होगा यहां पर तीन मल्टीप्लाई होगा यहां पर छे मल्टीप्लाई होगा फिर उससे ये देख लो कि अब तुमने ये निकाल लिया कितने टुकड़े करंट के जा रहे हैं तो अब देखो कि जितना भी करंट है कितने टुकड़ों में टूट रहा है ताकि तुम्हें तो एक टुकड़े की वैल्यू पता लगे जैसे कि यहाँ पर जो करंट है ग्यारह टुकड़ों में टूट रहा था तो मुझे एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई मुझे पता लगे यहाँ पर जो करंट है पांच टुकड़ों में टूट रहा है तो मुझे एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई यहाँ पर करंट थर्टी वन टुकड़ों में टूट रहा है तो एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई इस तरीके से मैं तुम्हें बोल रही हूँ आई एम होपिंग दैट नाउ दिस इज क्लियर आगे और भी रिपीटेशन होगा तो और क्लियर आ जाए हो जाएगा अब मानो अगर मैं तुम्हें ये वाला कॉम्बिनेशन दू मैं तुम्हें बोलूँ ये आर का रजिस्टर है आर का रजिस्टर है आर का रजिस्टर है मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से ऐसे ज्वाइन कर दिया अब मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि भाई जरा सा बताओ ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितनी है वॉट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है डायग्राम को सिंप्लीफाई करके कि अगर तुम्हें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछी हुई है तो एक पॉइंट तुम्हारा ए आ गया तुम देख लो ना ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो और कौन कौन से पॉइंट के ऊपर है तो तुम देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट को मुझे स्टडी करना है ए पॉइंट को मैं स्टडी करने लगी तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये यह जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ए के पोटेंशियल के ऊपर हैं फिर बाद में मैं यहाँ पर बी को स्टडी करने लगी तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ये यह जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मेरे पास बी के पोटेंशियल के ऊपर हैं तो इसको नोडल नोडल एनालिसिस एनालिसिस बोला जाता है। का मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना जानो हम सर्किट को स्टडी कर रहे हैं हमें पता लग चुका है कि बिना रीजन के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के आने की वजह से नहीं होता करंट किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करे तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो मैं बोलूंगी कि भाई ये वाली वायर के अंदर ये जो अभी मैंने हाईलाइट की है कोई रेजिस्टर नहीं था तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आया तो अगर मानो ये वी के पोटेंशियल के ऊपर था ये भी वी के पोटेंशियल के ऊपर था ये भी वी के पोटेंशियल के ऊपर था अरे 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 बाप रे ये आपके पूछ है क्या तो ये ना कल मैंने पहली बार इसकी ऐसे पूछ मुंह में ले ली थी तो ये ना हैरान हो गया ये ऐसे देखता रहा कि नहीं मतलब क्या आप मेरे को खाने वाले हो गया फिक्सी इधर बैठो इनको बहुत अच्छे लगता है आपको देखना ये भले फिजिक्स के लिए नहीं आपके लिए क्लास में बैठे रहेंगे रुको 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 पिक्सी को कंफर्टेबल करेंगे ऐसे कंफर्ट नहीं होती है ये मेरी पार्शे पार्क हो गई है तो अभी तुम लोग यहाँ पर देख पर ट्रीट होंगे लाडो पूरा बैठी रहता तो देखो अभी यहाँ पर जितने भी तीनों रजिस्टर्स हैं तीनों येलो और ग्रीन के बीच में ही है ना तो अगर तीनों रजिस्टर्स येलो और ग्रीन के बीच में है मतलब तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं बोल लो डायग्राम सिंप्लीफाई कर लो जी कि मानो अगर एक जगह में ऐसे येलो का पोटेंशियल लू और दूसरी जगह मैं ऐसे ग्रीन का पोटेंशियल लूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि तीनों के तीनों इसमें तो मेरी जान बचती है कि भाई जो मेरे पास तीनों के तीनों मेरे पास पॉइंट्स हैं सॉरी तीनों के तीनों मेरे पास जो रेजिस्टर्स हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है ए बी के ही अक्रॉस है तो यहाँ पर आ गया आर यहाँ पर आ गया आर तो हमेशा ऐसे रीड्रॉ किया करो यहाँ पर आ गया आर तो आर और आर और, और आर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास आर बाई थ्री देख लो एक बार टी का मम्मी ने लगाया <laughs> मम्मी ने लगाया हुआ है यार ये मेरी मम्मी पता नहीं ऐसे क्यों करती है यार फॉरेक्स के भी टीका लगाए हुए और फिक्से के भी टीका लगाए हुए ये गेट खुला था तो ये आ गए मम्मी यार ऐसे मत किया करो बच्चों ने नोटिस कर लिया इसका टीका ले जाओ इसका यूँ बैठी लड्डू लाडो पर पर कर रही है पर कर रही है ये फिक्सी तो एक दूसरे वाला भी दिखाती हूँ देव ना दोनों को एक साथ दिखा दे ये मेरा पाड़ू है रुको रुको ये देख ये मेरा फाड़ू है अरे मेरा पिक्सी है ये मेरी दो किटीज हैं ये मेरी पोर्शा है ये मेरी टेस्ला है दोनों मेरी कार्स हैं पर कितना साउंड भी है, है कि ठीक है दीदी जैसा आप बोले आपको ऐसे चिपकाना ऐसे चिपका चलो दोनों की किस्से करवाते हो देखो दोनों की किस्ती <laughs> चलो।, <laughs> चलो चलो जा चुके <laughs> कितनी क्यूट क्यूट बिलिया है, है ना ओके okay. चलिए तो जो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक के ऊपर वापस आते हुए तो ऐसी चीजें हम लोगों ने बच्चों लास्ट वाली क्लास में कैपेसिटर्स के लिए भी की थी आज वाली क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टर्स के लिए कर ली और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा मैंने तुम्हें बोला कि भाई मेरे पास एक वायर है है ना उस वायर की रेजिस्टेंस है r और फिर बाद में उस वायर को मैंने इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्मेट में बंद कर दिया कि मैंने उस वायर की ना एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये वाले पॉइंट के बीच में और ये वाले पॉइंट के बीच में बताओ रेजिस्टेंस कितनी है दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो तुम देखो ना अगर इस पूरी की पूरी वायर की रेजिस्टेंस आर है तो तुमसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है तो एक रेजिस्टेंस आगे मेरे पास ये वाली एक रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास ये वाली दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस है मेरे पास पैरेलल में है मानोगे ना अगर मेरे पास मानो बच्चों मैं तुम्हें बोलूँ की लेंथ की वैल्यू अगर एल है तो ये वन फोर्थ लेंथ आ गई वन फोर्थ लेंथ तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी तो, तो ये वाली तो रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास आर बाय फोर है ना और उसी तरीके से ये मेरे पास थ्री फोर्थ लेंथ आ गई तो थ्री फोर्थ लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो भी तो मेरे पास थ्री फोर्थ ही होगी ना तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई थ्री आर बाई फोर तो तुम देखो अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में हैं जहाँ पर एक की रेजिस्टेंस आर बाय फोर है दूसरे की थ्री आर बाय फोर है अब निकाल सकते हो हमेशा डायग्राम को सिंप्लीफाई करने करना अपनी जिम्मेदारी समझो

क्या ही थि, कराऊंगी तुम्हें ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चन है ना हाँ नींद उड़ गई सच में फॉरेक्स और फिक्से की वजह से ये एक और क्वेश्चन हो गया ऐसे कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन कल की क्लास में भी होंगे और क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू की भाई मेरे पास एक वायर है इस वायर की लेंथ है एरिया ए है अब मैं क्या कर रही हूँ तुम्हें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वाले क्वेश्चन करा रही हूँ क्वेश्चन टाइप्स हैं ओम्स लॉ के तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन टाइप करा रही हूँ जहां पर हम लोग वायर को या तो स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं और फिर पूछा जाता है कि अगर पहले इतनी रेजिस्टेंस है तो बाद में कितनी रेजिस्टेंस है जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलूँ कि जब इस वायर का लेंथ एल था और एरिया ए था तब जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू दस ओम थी अब जब तुमने उसको स्ट्रेच कर दिया सजाट उसकी लेंथ डबल हो जाए अब तुमसे फाइनल रेजिस्टेंस पूछी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कुछ इक्वेश को याद करने की कोशिश करते हैं डो नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट ठीक है like तुम्हें ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है तुम ये देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया दैट इज इट अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लेंथ को डबल किया है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी डबल हुआ होगा बात बस इतनी है कि जब आप इनिशियल से लेके फाइनल तक आ रहे हैं आपने वॉल्यूम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा ना तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रही तो अगर आपने लेंथ को डबल किया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसका मतलब एरिया आधी होगी ना तो अगर मानो एरिया आधी होगी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस दोबारा से डबल हो गया तो रेजिस्टेंस दो बार डबल हो गया मतलब रेजिस्टेंस फोर टाइम्स हो गया तुम देखो ना न्यूमरेटर में दो आया डिनोमिनेटर में वन बाई टू आया तो अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन है चार के फैक्टर से इंक्रीज कर गया ना तो जो रेजिस्टेंस आर था वो फिर बाद में फोर टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस मेरे पास दस ओम थी फिर वो मेरे पास चालीस ओम हो जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्विंग ये क्वेश्चन टाइप है देर आर नो फॉर्मूलाज टू दिस क्वेश्चन टाइप डोंट मेमोराइज दो फॉर्मूलाज जो मे बी तुमने कुछ बुक में देखे हो लेट मी रिपीट माई सेल्फ विद हेल्प ऑफ वन मोर क्वेश्चन जैसे कि मानो मैं तुम्हें तो बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक वायर है वायर की लेंथ इतनी है और वायर का रेडियस इतना है और वायर की रेजिस्टेंस इतनी है अब की बार हमने वायर को कंप्रेस किया तो तुम देखो ना स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन में हम लोग वॉल्यूम थोड़ी छेड़ रहे हैं वी वी आर आर नॉट नॉट अ चेंजिंग द द वॉल्यूम राइट सो इफ आई इंक्रीज लेंथ बाय फैक्टर ऑफ एरिया मस्ट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ टू जैसे कि पी वी कॉन्स्टेंट अगर हो तो अगर प्रेशर को तुम डबल करो तो वॉल्यूम को तो आधा होना ही पड़ता है ना तो वॉल्यूम मेरे पास एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगी ना तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वॉल्यूम कांस्टेंट रख रही हूँ लेकिन लेंथ को अगर मैं डबल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है एरिया को आधा होना पड़ा अब ये क्वेश्चन देखना तो मेरे पास वायर थी वायर को आपके बाद मैंने कंप्रेस कर दिया और वायर को मैंने ऐसे कंप्रेस कर दिया कि उसका जो रेडियस है डबल हो गया तो अगर पहले रेजिस्टेंस इतनी थी तो बाद में रेजिस्टेंस कितनी यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं है कंसेप्चुअली सॉल्व होगा ये कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया तो तुम देखो जब तुमने ये अनहोनी अन्हो, की है वॉल्यूम को थोड़ी छेड़ा तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट रहा अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है एरिया चार के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है तो अगर एरिया चार के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है तो लेंथ चार के फैक्टर से डिक्रीज किया होगा तो न्यूमरेटर में आ गया वन बाय डिनोमिनेटर में आ गया फोर तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सोलह आ गया ना मतलब फ्रैक्शन 16 से डिवाइड हो गया ना कि अगर मानो पहले रेजिस्टेंस आर थी तो अब रेजिस्टेंस आ गई आर डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर विच इज बेसिकली आर बाय सिक्सटीन तो तुम देख पा रहे हो कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 32 ओम थी अब वो मेरे पास आ गया 32 ओम डिवाइडेड बाय 16, विच गिव्स मे दी आंसर 2 ओम ऐसे सॉल्व किए जाते हैं फॉर्मूलाज मत याद रखना इस तरीके से जेनविन तरीके से सॉल्व होंगे कि रेडियस डबल हुआ तो एरिया चार के फैक्टर से इंक्रीज़ हुआ तो एरिया चार के फैक्टर से इंक्रीज हुआ तो लेंथ चार के फैक्टर से डिक्रीज हुआ तो लेंथ के चार के फैक्टर से डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस भी चार से डिक्रीज होगा एरिया के चार के इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस एक और बार चार से डिक्रीज़ होगा मतलब जो रेजिस्टेंस है चार मल्टीप्लाइड बाय चार सोलह से डिक्रीज हो रहा है तो जो मेरे पास आर था अब वो मेरे पास आर बाय सिक्सटीन हो गया तो जो मेरे पास थर्टी टू था वो मेरे पास थर्टी टू बाई सिक्सटीन हो गया ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं

ये हमें कोई कंसेप्ट नहीं बता रहे ये हमें एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं ये हमें बोल रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना या तो आप इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर ये बेसिक फैक्ट्स ना वायलेट हो रहे हैं जैसे कि अगर मैं खेशअ लॉ की बात करूँ तो दो रूल्स हैं यहाँ पर खिरशफ के दो रूल हैं एक मेरे पास जंक्शन रूल है और दूसरा मेरे पास लूप रूल है तो जंक्शन रूल तो बहुत ही इजी है जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है जो ये बोलता है कि अगर एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा भी क्योंकि जो जंक्शन है चार्ज नहीं स्टोर करता है कि मानो अगर इस जंक्शन के ऊपर आई वन और आई टू का करंट आया है तो इस जंक्शन से फिर आई वन और आई टू का ही करंट जाएगा बिकॉज दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना तो इस जंक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई आ, कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा ना ही यहाँ पर जो चार्ज है डिस्ट्रॉय होगा तो आई कैन से इस जंक्शन के ऊपर जितना भी इनकमिंग करंट आया है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल टू होगा तो इनकमिंग करंट मेरे पास आ गया आई वन प्लस आई टू आउट करंट मेरे पास आ गया आई थ्री जैसे कि इफ आई हैव टू गिव यू अ क्वेश्चन मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई आ, मेरे पास ना ये वाला जंक्शन है तो यहाँ पर इस जंक्शन से एसोसिएटेड ये वायर है ये वायर है ये वायर है

तो वही आई डिस्ट्रीब्यूट होगा आई वन और आई टू में सो so, ये हमारा खिरशफ का पहला रूल है जंक्शन रूल कि भाई एक जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर देखो कि यहाँ से जो करंट आया है वो पंद्रह एम्पेयर है तो मैं बोलूंगी कि भाई अगर इस जंक्शन के ऊपर पंद्रह एम्पेयर आया है तो पंद्रह एम्पेयर जाएगा दैट इज इट देर इज नो सेकेंड डिस्कशन टू इट बच्चों मेरी नींद खुल गई तो अगर इस जंक्शन के ऊपर पंद्रह एम्पेयर आया है तो पंद्रह एम्पेयर जाना भी चाहिए तो अगर यहाँ से दस एम्पेयर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से पांच एम्पेयर जाएगा तो ये मैंने डायरेक्शन ऑफ द करंट भी दे दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट भी दे दिया दिस इज वेरी बेसिक इसमें तो आई डो नॉट बिलीव कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा मैं तुम्हें अब दूसरा रूल बताती हूँ और ये जो रूल है ना बच्चों वो सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है अब ध्यान से सुनना क्योंकि अब मे बी कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हो सकता है ये देख लो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पांच क्वेश्चन की हेल्प से करके दिखाऊंगी ठीक है नेक्स्ट ऑयली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा ध्यान से सुनना दि नेक्स्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं ये समझ आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में कोई फॉर्मूला याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ लूप रूल एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है और ये जो लूप रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है है लूप रूल बस इतना बोलता है कि भाई देखो आपके पूरे के पूरे के के सर्किट में दो ही तरीके हैं या तो बैटरीज हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती हैं या रजिस्टर्स हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ध्यान दीजिएगा तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे एक सर्किट के अंदर हमेशा दो तरीके के डिवाइसेज होंगे या तो वो डिवाइसेस जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज होंगे या फिर वो डिवाइसेस जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है मतलब जहां पर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस कि अगर तुम्हारे पास इट डज नॉट मैटर क्लोज लूप हो ओपन लूप हो ये सारी सिर्फ बोलने वाली बातें होती हैं मैं तुम्हें बस ये बोल रही हूँ कि एक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक चले जाना कैसे भी चले जाना तो जब तुम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाओगे जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप बैटरीज ने क्रिएट किया है इट विल बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली में रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्रिएट हुआ है अब इसको एक एक करके समझते हैं पहले मैं क्लोज लूप ले लेती हूँ क्लोज्ड लूप का मतलब क्या कि हम यहाँ पर एक लूप को स्टडी करेंगे लूप को स्टडी करेंगे इसका मतलब क्या कि हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे मोशन शुरू करना और फिर उस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से वापस आएंगे तो हमने जो motion, जो मोशन ये पाथ लिया है उसको लूप बोला जा रहा है तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि भाई देखो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके लेके ले यहाँ तक आती हूँ तो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं रखूं कि इस डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल ड्रॉप बैटरीज ने क्रिएट किया है और अगर मैं राइट हैंड साइड में रखूं कितना पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर्स के अक्रॉस इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है दिस शुड बी इक्वल टू वन तो ये जो लूप रूल है ये इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि भाई बैटरीज ने जितनी भी एनर्जी लगाई है है ना बैटरीज ने जितना भी काम किया है पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने में उतना काम हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने में तो जितना भी कॉज था पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने का उतना ही कॉन्सिक्वेंस हम लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स में देखने को मिलता है सुनते जाना चाहे तुम्हें 16 मिनट के बाद क्लिक हो डज नॉट मैटर क्लिक जरूर करेगा सुनते जाना डोंट आस्क एनी क्वेश्चन ओनली लिसन सुनने में तुम्हें पता लग जाएगा चाहे टाइम लगे तो मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ कि ये बेसिकली ना ये जो हमारा लूप रूल है वो एक कंसेप्ट के बारे में बात करता है और हमें क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी देता है तो ये क्या बोलता है ना कि मानो अगर तुम एक लूप को कंसिडर करो तो मानो मैं ये वाले लूप को कंसिडर करने वाली हूँ ठीक है अब तुम इस लूप में किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो क्योंकि मानो अगर तुम्हें यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक वापस आना है तो तुम ऐसे भी चल सकते हो है ना और बच्चों तुम लोग इस तरीके से भी चल सकते थे मैं तुम्हें बिल्कुल सेम चीज बोल रही हूँ जो मैंने तुम्हें काइनामेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में भी बोली थी साइन कन्वेंशन तुम्हारी मर्जी है बस एक बार जो साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लो उसके बेसिस के ऊपर ही लिख देना अब मैं तुम्हें वही बोल रही हूं वट इज द इंटेंशन तुम करना क्या चाहते हो ये लूप रूल लगा के पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रिएट हो रहा है बैटरीज की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रिएट हो रहा है रेजिस्टर्स के अक्रॉस तो तुम कोई भी डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो और फिर बाद में उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर मेजर करते जाओ जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा उसको पॉजिटिव में लिख देना नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव में लिख देना जो हम लोग वर्कडन में भी तो करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही हो तो वर्कडन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिखते हैं अगर मानो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा हो तो वर्कडन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लिखते हैं तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलूं तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी खोपड़ी के अंदर ऑलरेडी ये चीजें हैं तुम्हें तो ऑलरेडी ऐसे सोचना आता है कि भाई अगर मैं एक डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए जा रही हूं तो अगर मुझे उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा तो मैं पॉजिटिव में लिख दूंगी नहीं देखने को मिलेगा तो मैं नेगेटिव में लिख दूंगी दैट इज इट तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है उसको लेफ्ट में लिखना जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है बैटरीज की वजह से उसको लेफ्ट में लिखना और जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है रेजिस्टर्स के अक्रॉस कॉन्सिक्वेंस उसको राइट right में लिखना जैसे कि इफ आई हैव टू अप्लाई इट वन टाइम यहां यहां से से शुरू शुरू करते करते हैं करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में बैटरीज राइट हैंड साइड में रेजिस्टर्स पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हैं आ रहा होगा तो पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा तो नेगेटिव और कोई लॉजिक नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है कि आप पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हैं आ रहा है तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो नेगेटिव तो मैं चलने लगी तो सबसे पहले बैटरी आई तो देखो बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी क्योंकि अभी मैं क्रिएशन इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस लिख रही हूँ ना कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस लिख रही हूँ ना तो मैं ऐसे चली बैटरी आई बैटरी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही हूँ तो बैटरी आई और बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रही है तो मैं उसको नेगेटिव क्यों लिखूंगी पॉजिटिव ही लिखूंगी ठीक है यहां पर दिया हुआ है कि भाई इस डायरेक्शन में आई का करंट है पूरे के पूरे इसमें है ना अब तुम और आगे चले अब जब तुम और आगे चले तो तुम देखो ना एक रेजिस्टर आया तो रेजिस्टर के अंदर अगर इस डायरेक्शन में आई का करंट है तो रेजिस्टर के अंदर इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव इसका एक ही आंसर है दी इसमें पॉजिटिव कैसे दी इसमें नेगेटिव कैसे ओनली वन आंसर पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हो आप अगर आ रहा है तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मेरे पास रेजिस्टर आया मैं चल रही हूँ इस डायरेक्शन में तो मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रही हूँ तो अगर इस रेजिस्टर में इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आया है मैं मेजर कर रही थी पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप मुझे देखने को मिल रहा है तो ये देखो मैंने पॉजिटिव में लिख दिया अब मैं आगे चली यहाँ पर कुछ भी नहीं आया अब मैं और आगे चली बैटरी गई तो मैं मेजर कर रही हूँ पोटेंशियल ड्रॉप को इस डायरेक्शन में लेकिन ये बैटरी तो पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे क्रिएट करेगी है ना तो मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो फिर मैं और आगे चली तो मेरे पास आर टू का रेजिस्टर आया तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में आई का करंट आर टू के अक्रॉस फ्लो करेगा तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आया है आई आर टू का मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही थी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है दैट इज द रीजन मैं इसको पॉजिटिव में लिख दूंगी मैं और आगे चली कुछ भी नहीं आया तो तुम यहां पर देख पा रहे हो E1 वन माइनस ई टू इज गोइंग टू बी आई आर वन प्लस आई आर टू तो मैं यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि कभी कभी ना देखो बच्चों इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं और तुम्हें पूछा जाएगा ये वाला करंट निकालो तो ये जो हमारा सेकेंड रूल है तो इसकी हेल्प से हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यूं सॉल्व कर सकते हैं करंट निकालने में बड़ी हेल्प करता है जैसे कि मैं, तुम को यहां पर एक की में मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन दे दिया बताओ सर्किट के अंदर कितना करंट है तुमने सोचा देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन देर आर अदर वेज ऑफ सोल्विंग दीज क्वेश्चन एज वेल लेकिन अभी इंटेंशन आंसर तक पहुंचना नहीं है आंसर तक पहुंचना खिरशअ लॉ को लगाने के बाद है तो हमने सोचा चलो इसको लूप रूल से सॉल्व करेंगे कोई भी इनिशियल पॉइंट ले लो और किसी भी डायरेक्शन में चलो तुम्हारे ऊपर है तो मैंने सोचा मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगी और मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी मैंने ऐसे सोचा ठीक है कि भाई देखो मैं इस डायरेक्शन में चलने वाली हूँ पूरा का पूरा लूप मुझे कवर करना है मतलब मुझे इनिशियल पॉइंट तक वापस जाना है तो मैं ऐसे चलूंगी और पोटेंशियल ड्रॉप्स को मेजर करूंगी जहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो पॉजिटिव कर दूंगी इक्वेशन में नहीं आएगा तो नेगेटिव कर दूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगी मैं कॉज है ना जो कि यह बैटरीज राइट हैंड साइड में रखूंगी मैं कॉन्सिक्वेंस जो कि है मेरे पास रेजिस्टर्स तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं ऐसे चली सबसे पहले बैटरी आई बैटरी कॉज है मैं डायरेक्शन में चल रही पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी तो ये मेरे पास आया पॉजिटिव टेन है ना ये मेरे पास आया पॉजिटिव टेन अब किस डायरेक्शन में करंट है मुझे नहीं पता तो मैं किसी भी डायरेक्शन में करंट ले लूंगी अगर उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी अगर उस डायरेक्शन में करंट नहीं होगा तो नेगेटिव में आ जाएगी सेम चीज मैंने तुम लोगों को कल के प्रैक्टिस सेशन में भी कराई थी जब हम दो स्पीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते थे और हमसे पूछा जाता था कि भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा तो हम ये हम कोई भी डायरेक्शन ले लेते ले थे उसके बेसिस पे सॉल्व करते थे तो अगर उसी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हुआ होगा तो आंसर हमें चार्ज का पॉजिटिव में आता था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ होगा तो नेगेटिव में आता था सेम चीज यहाँ पर है कि चलो यहाँ पर तो देख के मुझे पता लग ही रहा है कि इसकी वजह से भी करंट ऐसे इसकी वजह से भी करंट ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा लेकिन ऐसे सर्किट में तुम्हें नहीं पता लगेगा ऐसे सर्किट में तुम्हें नहीं पता लगेगा सो अज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ द करंट उसके हिसाब से तुम लोग अपनी इक्वेशन लिखो अगर उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा वरना नेगेटिव आ जाएगा दैट इज इट तो मैंने ये डायरेक्शन अज्यूम कर ली अब मैं और आगे चली ये देखो मैं और आगे चली अभी तक तो कुछ नहीं आया अब मैं और आगे चली तो एक बैटरी आई छह वोल्ट की बैटरी आई जो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करी है जिस डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई अब मैं और आगे चली अब मैं और आगे चली तो मेरे पास रजिस्टर आया तो मैंने जो डायरेक्शन करंट की एज्यूम की है उसके हिसाब से इसके अग्रॉस आई का करंट फ्लो करेगा ना ये देखो ना आई का करंट फ्लो करते हुए ऐसे आएगा ना तो मैं बोलूंगी कि भाई इसके अक्रॉस across... मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ इसके अक्रॉस आई का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैं मेजर कर रही हूँ पोटेंशियल ड्रॉप और उसी डायरेक्शन में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखने को भी मिल रहा है तो मैं आंसर पॉजिटिव में रखूंगी कि भाई आई का करंट अगर दस ओम के अक्रॉस जाता है तो हाँ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर क्रिएट होगा टेन आई का तो तुम देख पा रहे हो सिक्सटीन इट इज इक्वल टू टेन आई आई की वैल्यू आ गई सिक्स लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक है ना? अब की बार मैंने यहाँ पर ना रिवर्स कर दिया कि इसका देखो ना इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे था ना अब की बार मैंने इसको ऐसे कर दिया और नीचे वाला क्वेश्चन बना दिया अब मैं तुमसे पूछूँ की भाई करंट बताओ सर्किट में कितना है ठीक है तो अभी हम सिर्फ फिर लॉ लगा रहे हैं टाइम लगेगा चलेगा लेकिन समझ आना चाहिए तो अब की बार ऐसा करते हैं हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे और चलो अब की बार ऐसे चलते हैं

लेफ्ट हैंड साइड में बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है उसको लिखूंगी और राइट हैंड साइड में लिखूंगी जो पोटेंशियल ड्रॉप रिजिस्टर्स के अक्रॉस क्रिएट हो रहा है कॉज और कॉन्सिक्वेंस को इक्वलाइज कर दूंगी तो मैं यहाँ से चली सबसे पहले बैटरी आई है ना तो तुम देखो ना मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उस डायरेक्शन में कहा ये पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है नहीं कर रही मैं तो इस डायरेक्शन में चल रही हूँ ना इस डायरेक्शन में कहा पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है ये बैटरी तो ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी ना देखो ना ये बैटरी ऐसे ये ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी ना तो यहाँ पर मेरे पास आ गया नेगेटिव टेन अब मैं और आगे चले अब मैं और आगे चले तो दस ओम का रेजिस्टर है दस ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस आई का करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में करंट है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रेजिस्टर के अक्रॉस तो जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आ गया दस के अक्रॉस टेन टाइम्स ऑफ आई फिर मेरे पास आ गया छह वोल्ट की बैटरी जो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है जिस डायरेक्शन में मैं मेजर कर रही हूँ तो ये आ गया छे तो, तो तुम देख पा रहे हो माइनस फोर इज इक्वल टू टेन आई आई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर माइनस जीरो पॉइंट फोर एम्पेयर इसका मतलब क्या कि हमारे आंसर ने हमें ये बताया कि नहीं करंट की डायरेक्शन उल्टी ली है करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रहा है करंट की डायरेक्शन उल्टी है इसका मतलब जीरो पॉइंट फोर एम्पेयर का करंट ऐसे फ्लो करेगा सो दिस इज द रियलिटी कि जीरो पॉइंट फोर एम्पेयर का करंट इस तरीके से फ्लो करेगा एक और क्वेश्चन कराती हो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दू तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये बैटरीज ले ली यहाँ पर ये रेजिस्टर्स ले लिए तुमसे पूछा जा रहा है कि ये वाली ये वाला करंट बताओ कितना है मैंने पूछा कि भाई ये वाला करंट बताओ कितना है तो तुमने सोचा कि भाई बहुत तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते होंगे लेकिन अभी अगर का रूल बताया तो उसी से सॉल्व करते हैं एक लूप डिसाइड कर लेते हैं तो मैंने सोचा मैं ये वाले लूप को डिसाइड कर लेती और मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी मतलब मैं जो पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करके इक्वेशन लिखने वाली हूँ वो इस डायरेक्शन वाले पोटेंशियल ड्रॉप होंगे मैंने ये सोचा ठीक है अब यहां पर दिक्कत की बात बच्चों बस ये है कि चलो यहां पर तो बैटरी आ गई यहां पर भी बैटरी आ गई लेकिन ये रजिस्टर आ गया ना इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट मुझे कुछ तो लेना पड़ेगा तो मैंने फिर रज्यूम किया कि भाई ये जो आई का जो करंट है वो आई वन और बचा हुआ आई माइनस आई वन के करंट के अंदर टूट रहा है मैंने ये रज्यूम कर लिया आई डोंट नो कि ये ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता लेकिन हम करंट को की डायरेक्शन को ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि भाई इसके अक्रॉस जो करेंट आईवन है उसकी डायरेक्शन ये है मैंने अज्यूम कर लिया अगर इस डायरेक्शन में नहीं होगी तो आंसर मुझे नेगेटिव में आ जाएगा है ना तो अब मैं यहाँ पर लूप रूल लगाने लगी मैंने बोला कि भाई कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस कॉज इट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कैलकुलेटिव पोर्शन है लेकिन डिफिकल्ट नहीं बोल सकते तो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस तो सबसे पहले बैटरी आई तो बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो ये पॉजिटिव में 20 आ गया है ना अब मैं और आगे चली कुछ नहीं आया अब और आगे चली दोबारा से बैटरी आई तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप को ऐसे, ऐसे मेजर कर रही हूँ लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप तो ऐसे है तो ये नेगेटिव में आ गया तो यहां पर आ गया मेरे पास नेगेटिव 10 फिर मेरे पास आया 1 ओम का रेजिस्टर 1 ओम के रेजिस्टर में इसी डायरेक्शन में i1 का करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा i1 1 का तो ये भी आ गया पॉजिटिव में पॉजिटिव ऑफ i1 1 अब मैं और आगे चली ऐसे तो यहाँ पर तुम देखो ना यहां पर i का करंट है ना हनी बच्चों यहां पर देखो यहां पर देखो, ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है हर जगह आई का ही करंट है ना तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में दो ओम के अक्रॉस इस डायरेक्शन 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 में 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 अगर आई का का करंट फ्लो किया तो तो इसी में आई का ड्रॉप आया तो मैं जिस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही थी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है कितने का आ रहा है टू आई का आ रहा है तो यहाँ पर आ गया टू आई तो तुम देखोगे कि जब तुम सॉल्व करने लगे तो तुम्हारे पास आया टेन इज गोइंग टू बी गिवन बाई टू आई प्लस आई वन तो दुविधा हो गई ना तुमने बोला यार दी हमें आई मेजर करना था तो आई को जब हम लोग मेजर करने लगे तो मेरे तो इक्वेशन में आई वन आ गया तो अभी अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मेरे पास यार फिर दो इक्वेशन भी होनी चाहिए तो एक इक्वेशन मैंने एक लूप से निकाल ली दूसरी इक्वेशन किसी और लूप से निकाल लूंगी तो दूसरा लूप चाहे तुम ये ले लो दूसरा लूप चाहे तुम ये ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने सोचा चलो ये वाला लूप लेते हैं जिनको ब्रेक चाहिए ब्रेक ले लो आ जाना पंद्रह मिनट के बाद तो हमने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं ये वाला लूप लूप ले लेते हैं और ये वाले में हम लोग इस तरीके से चलेंगे क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है एक और इक्वेशन चाहिए थी तो एक और इक्वेशन के लिए एक और लूप तो लेना पड़ेगा ना तो मैंने सोचा ये वाला लूप ले लेते हैं है ना तो सबसे पहले ऐसे चलो तो तुम देखो ना जिस डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ है ना उसी में I -I1 का करंट फ्लो कर रहा है ओम के अक्रॉस तो मैं इस में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर क्रिएट कर तो करेगा तो पॉजिटिव तो ये मेरे पास आ गया फोर टाइम्स ऑफ आई माइनस आई वन आगे यहां पर कुछ भी नहीं है फिर आ गया ये तो मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ लेकिन वन ओम के अक्रॉस इस डायरेक्शन में आई वन करेंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप वन मल्टीप्लाइड बाई आई वन तो आई वन का पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन मैं तो पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में मेजर कर रही हूँ तो नेगेटिव लेना पड़ेगा सो नेगेटिव ऑफ वन मल्टीप्लाइड मैं और आगे चली तो बैटरी आई मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ ये वाली बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो पॉजिटिव तो मेरे पास आया 10 इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आई माइनस फोर टाइम्स ऑफ आई वन माइनस आई वन टेन इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आई माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आई नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स दिस इज द ओनली कैलकुलेटिव पोर्शन ऑफ योर इंटायर करेंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इतनी मैथमेटिक्स है एक्चुअली में मैथमैटिक्स ज्यादा लग रही है आई टू भी निकाल सकते हो, हो। यहाँ से आई वन भी आएगा यहाँ से आई भी आएगा यहाँ से आई वन निकाल लो आई वन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो इस इक्वेशन में सिर्फ आई बच जाएगा देखिए एक और क्वेश्चन देते हो मानू मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दूँ दिस इज दी ओनली टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक बट इट इज वेरी वर्थ इट कि अब के बाद मैं तुम्हें बोल लूँ कि भाई ये कम्बिनेशन है बताओ यहाँ से कितना करंट निकल रहा है तो तुमने देखा कि भाई यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो आई का करंट है जो ऐसे आया है ये दो करंट में टूटा है एक तो मेरे पास आई वन के करंट में टूटा हुआ है और एक मेरे पास बचा हुआ आई माइनस आई वन में टूटा है तो मतलब तुम समझ रहे हो ना कि अब यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पर करंट कितना है आई यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो वाला करंट है मेरे पास आई वन और उसी तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स है वहां पर करंट है आई माइनस आई टू तो तुमने सोचा कि भाई अगर तुम्हें I का करंट चाहिए तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखोगे तो तुम वो एक इक्वेशन चाहे इस लूप से लिख लो इस लूप से लिख लो तुम्हें अच्छे से बताए कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस तो चाहिए हो तो दो इक्वेशंस है दो वेरिएबल्स हैं दो इक्वेशंस तो चाहिए होगी तो ठीक है दो लूप दो बार लूप लूप रूल रूल बार लगा लेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर लूप रूल लगाते हैं ऐसे चलते हुए लूप रूल लगाते हैं पहले हमने ये सोचा ठीक है आ जाओ कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस करते हैं एक इक्वेशन लिखते हैं सो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस लेफ्ट हैंड साइड में बैटरीज

दो ओम के अक्रॉस इसी डायरेक्शन में आई माइनस आई वन करंट फ्लो कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप है मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है तो पॉजिटिव में लिखूंगी तो ये मेरे पास आ गया टू टाइम्स ऑफ आई माइनस आई वन अब मैं आगे आई कुछ नहीं आया अब मैं आगे आई बैटरी आई तो दस वोल्ट की बैटरी इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है जिस डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ तो इसको भी मैंने पॉजिटिव में लिख दिया फिर मेरे पास आया एक रेजिस्टर तो एक ओम का रेजिस्टर है इस डायरेक्शन में करंट है इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप में मेजर कर रही हूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी आ गया पॉजिटिव तो आई का करंट वन ओम के अक्रॉस so, देखो दिस इज माय नंबर वन इक्वेशन सिक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आई माइनस टू टाइम्स ऑफ आई वन प्लस आई तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई सिक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ आई माइनस टू टाइम्स ऑफ आई वन देख लो एक बार पहली इक्वेशन अब तुम्हें तो एक और इक्वेशन चाहिए किसी भी कोई भी लूप ले लो लू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुमने सोचा कि भाई की बात नहीं है करो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस क्योंकि तुम्हें एक और इक्वेशन चाहिए ना अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेश तो लगेगी तो तुमने दोबारा से किया कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस देख लो अब कितने क्वेश्चन कितनी बार इसको अप्लाई कर चुकी हूँ तो यहाँ से शुरू करो अभी तक तो कुछ नहीं आया दोबारा से कुछ नहीं आया आई वन का करंट फ्लो किया है चार ओम के अक्रॉस इस डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं पॉजिटिव रखूंगी तो पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव रख दूँ तो चार ओम के अक्रॉस आई वन का करंट अब आगे चलू बैटरी आ गई कॉज इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट कर रही है तो पॉजिटिव कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया अब आ गया ये बैटरी मैं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ इसी डायरेक्शन में ये दस वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो पॉजिटिव आ गया आ गया वन ओम

देखो जैसे कि अगर मैं किरशफ के रूल्स की बात करूँ सेकेंड रूल की बात करूँ जो कि लूप रूल है इसको तुम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो तो कौन से तरीके से अप्लाई करोगे दैट विल डिपेंड ऑन कौन से तरीके से अप्लाई करना तुम्हारे लिए इजी है जैसे कि जब तुम्हें इस तरीके से करंट वगैरह निकालना हो और सारी चीजें क्लोज्ड हो तो क्लोज्ड लूप लगाओ मानो अगर इनकेस ऐसा ना हो मानो अगर तुम्हारे पास तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगे पूरे लूप में ना मूव करके एक पॉइंट पॉइंट से लेके दूसरे तक मूव करना तो अपने अप्रोच को मॉडिफाई कर दो। अंडरस्टैंड मी कि मानो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार दी हम एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया है जहां पर हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा राधर देन गोइंग इन अ सर्कल तो मैं बोल दूंगी ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है फिजिक्स इसके ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगी तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो कहाँ पे खत्म कर रहे हो किस डायरेक्शन में चल रहे हो फिजिक्स फिजिक्स है है कि नहीं तो मैंने बोला कि अगर मानो तुम अपना अप्रोच चेंज करना चाहते हो मतलब तो अगर तुम अपना अप्रोच चेंज करना चाहते हो कि कहाँ से कहां तक चलोगे तो इक्वेशन वाला अप्रोच भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो

अब जब तुम क्लोज लूप में नहीं चल रहे हो जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो अब मैं तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच दे रही हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करो अब कोई कॉज और कॉन्सिक्वेंस नहीं है पोटेंशियल ड्रॉप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और सारे रीजन पोटेंशियल ड्रॉप के राइट हैंड साइड में लिख दो जैसे कि देखना सबसे पहले मैं ऐसे मूव करी तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रही हूँ तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप ही बोला जाता है तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप का कंट्रीब्यूशन देखो इसका पॉजिटिव आ गया अब मेरे पास रेजिस्टर आया इसके अक्रॉस इसी डायरेक्शन में करंट है तो इसके अक्रॉस इसी डायरेक्शन में ड्रॉप आएगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है पॉजिटिव में आया अब मेरे पास आ गया बैटरी तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही हूँ इसको पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बोला जाता है तो अब इसको मैं नेगेटिव में लूंगी ये देखो तो मैंने यहाँ पर एक इकलौती चीज जो चेंज की है वो ये है कि अब जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो ना तो ऐसा करो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस वाला कंसेप्ट मत लगाओ अगर तुम चाहो तो तुम लगा सकते हो वैसे भी आंसर आएगा शुड आई प्रूव दिस जैसे कि देखना छोड़ो ना यार तुम इतना टाइम नहीं दे रहे हो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब तुम क्लोज लूप की बात कर रहे हो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस से चलो जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तब पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू सारे कॉजेज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप के कंसेप्ट से चलो चाहे वो बैटरी की वजह से हो या फिर वो कर, या फिर वो रेजिस्टर की वजह से हो जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर कराती हूँ मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये मेरा ए पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट है दो ओम दो एम्पेयर तीन वोल्ट वन ओम तुम्हें बोला हुआ है वी ए भी भी निकालो तुम्हें समझ आ गया कि यार यहाँ पर क्लोज लूप नहीं है तो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे मत सोचना बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे जबरदस्ती कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बिकॉज दे वॉन्ट टू रिलेट क्यों जब तुम्हें समझ आए तो जोर जबरदस्ती क्यों करते हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए क्या ये क्लोज लूप है नहीं है तो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई करोगे तुम बोलोगे हम इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करेंगे जो कि है वी ए माइनस वी बी अब यहाँ पर लिखो एक एक करके सारी चीजें अभी राइट हैंड साइड पे आएंगे तो सबसे पहले ये रेजिस्टर आया जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप है दो ओम के अक्रॉस दो एम्पेयर अगर मूव करेगा तो ऑब्वियस ये बात है चार वोल्ट का ड्रॉप आएगा ना तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज फिर आई बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे हो जी हाँ इसको ड्रॉप ही बोला जाता है तो ये भी आया मेरे पास पॉजिटिव थ्री फिर आया वन ओम तो एक ओम के अक्रॉस जिस डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में दो एम्पेयर का करंट जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में ड्रॉप आ रहा है ना तो एक ओम के अक्रॉस अगर दो एम्पेयर करंट फ्लो करे तो दो वोल्ट का ड्रॉप आता है तो यहां पर आ गया दो वोल्ट का ड्रॉप तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू कितनी आगे है ना? जैसे कि मानो आपके बाद में तुम्हें ये दूं कि भाई यहाँ पर मैंने अर्दिंग कर दी तो हमेशा याद रखना जिस पॉइंट पे अर्दिंग कर दो ना वो जीरो वोल्ट के ऊपर हो जाता है ऑलवेज रिमेम्बर दिस तो तुम्हें बोला हुआ कि ये मेरे पास इस तरीके से एक सर्किट है तुमसे पूछा हुआ है वॉट इज वी ए माइनस बीबी तो तुम बोलोगे ठीक है क्लोज लूप पर है ओपन लूप ही है ना तो कॉज कॉन्सिक्वेंस वाली बदतमीजी मत करना तो ए से लेके बी तक जाओ और ड्रॉप को मेजर करो तो तुम्हें नहीं पता यहाँ पर करंट अच्छा करंट किस डायरेक्शन में तुम्हें पता है तो तुम बोलोगे कि, कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ एक रेजिस्टर ही आ रहा है हम इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में पोटेंशियल आ रहा है लेकिन अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू तो सकते हैं के बीच में थोड़ी के बीच में थोड़ी थोड़ा दिमाग लगाया करो अब बात यह है मेरे पास आर की वैल्यू तो है नहीं आर की वैल्यू तो है नहीं तो एक और लूप ले लो एक और ओपन लूप ले लो जैसे कि तुम ये देख लो ना यहां से लेके ऐसे चले जाओ देखो यहाँ से लेके ऐसे चले जाओ यहाँ पर एक ही वेरिएबल है आर का और वो वाली वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम जीरो से लेके जीरो तक जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हो गया जीरो, वोल्ट। तो लेफ्ट पे आ गया जीरो राइट हैंड साइड पे लिख दो कि पहले दो एम्पेयर का करंट पांच ओम के अक्रॉस ऐसे फ्लो किया तो मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी डायरेक्शन में दस वोल्ट का ड्रॉप आ गया फिर दो एम्पेयर का करंट आर के अक्रॉस ऐसे फ्लो कर गया तो इसी डायरेक्शन में ड्रॉप आ गया टू आर का फिर मेरे पास बैटरी आई बैटरी में मैं नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही हूँ इसको ड्रॉप नहीं बोला जाता तो ये मेरे पास आ गया नेगेटिव फिफ्टीन तो देखो आर की वैल्यू आ गई तो मेरे पास आ गया ज़ीरो इज इक्वल टू तो टेन प्लस टू आर माइनस फिफ्टीन जीरो इज इक्वल टू तो टू आर माइनस फाइव टू आर की वैल्यू आ गई फाइव आर की वैल्यू आ गई टू पॉइंट फाइव ओम तो ये वाली वैल्यू आ गई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट फाइव ओम विच गिवी माइनस फाइव वोल्ट एज दी आंसर ये देखिए कैसे भी चले जाओ शाकिया मैंने बता दी है इंडिविजुअल स्टूडेंट को आंसर करने का कोई मतलब नहीं है कि जैसे भी मर्जी चले जाओ फिजिक्स कैसे काम करेगी तुम्हारे कैसे चलने पे डिपेंड नहीं करेगा जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट वट आर यू ट्राइंग टू डू अगर आप क्लोज्ड लूप में जा रहे हैं तो कॉज इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस कीजिए जैसे मर्जी जा रहे हैं क्लोज लूप में किसी भी क्लोज लूप में जा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं और अगर आप ओपन लूप में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और राइट हैंड साइड में सारे के सारे बैटरीज और रजिस्टर सब के मूव करो क्या तुम्हारे कदम चलने पर ड्रॉप मेजर हो रहा है कि जब तुम बैटरी के यहां नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक गए तो नहीं मेजर हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप ये तो कॉज और कॉन्सिक्वेंस ओपन में नहीं लगेगा बिल्कुल भी यहाँ पर तुम ये अप्रोच ले ना और क्लोज्ड में तुम ये वाला अप्रोच ले लेना इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में बातें बहुत ही कंस्ट्रक्टेड हैं अब ले लो तुम लोग छोटा सा ब्रेक देखिए अब ले लो ब्रेक ये इकलौता टॉपिक है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है भाई इफ यू आर मेजरिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप कॉज इज इक्वल लुक कॉन्सिक्वेंस के बेसिस के ऊपर चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो बैटरी की वजह से आएगा क्या वो आपकी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है और जब आप कॉज इज इकुल्वेंस के कंसेप्ट से नहीं चलते हैं तो आप सिर्फ चलोगे और देखोगे की आप जिस तरीके से चल रहे हैं जैसे अगर तुम ऐसे चलो तो हाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है अगर तुम ऐसे चलो तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा है ठीक है और क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में तो ऑब्वियसली है और क्लैरिटी आएगी लेकिन अभी हम लोग अच्छा खासा ब्रेक लेने वाले हैं आराम से दस पंद्रह मिनट का ब्रेक लेंगे और हम लोग रिज्यूम करेंगे है ना हम लोग रिज्यूम करेंगे हमारी क्लास को नाइन तीस तो होने वाले हैं तीस चालीस पे नाइन फोर्टी ए एम ठीक है जी देख लो फटाफट से देख लो आई एम होपिंग दैट थिंग्स आर दैटी क्लियर है ना यू हैव अंडरस्टूड क्योंकि द्वेश्चन की कोई कमी नहीं रहेगी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी तगड़ी वाली रहती है कंसेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए फोर्टी फाइव स्लाइड के ऊपर हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं ये देखिए एवरीथिंग फ्रॉम हियर नाउ ऑन विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ खिरशफ लॉ एंड ओम्स लॉ ठीक है चलिए भागी मिलते हैं बच्चों नाइन फोर्टी ए एम पे क्लास को लाइक कर दो लाइक कर दो सेशन को अगर आपको ये जो सेशन है बच्चों पसंद आ रहे हैं है ना और टाइम के ऊपर वापस आ जाना ठीक है ओके बाय बाय हाँ जी सब बच्चे रेडी हैं चलो बहुत ही लेजी दिन इस लेज़ी दिन के ऊपर चलिए क्लास को रिज्यूम करते हैं थोड़ा सा रह गया है है ना बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो ओम्स लॉ सीखा है जो खिरशफ लॉ सीखा है इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स में उनके कम्बिनेशन के अंदर अप्लाई करने वाले एक बार ये अप्लाई कर लेंगे फिर मैं तुम्हें कुछ और कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सिखाऊंगी फिर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हमारे पास टॉपिक आ जाएगा पावर विच इज एसोसिएटेड टू दी बता रही डिट्स मैं आई एम सिंपली गॉड आई एम सिंपली सो सो मच इन नशा नींद के नशे में है ना नशा भी क्या यार टायर्डनेस हो गई है है ना चलो

कि देखो अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि मानो अगर मैं बच्चों बैटरी लेती बीस वोल्ट की इसका मतलब ये जो मेरे पास बैटरी है ना पूरे के पूरे, पूरे कम्बिनेशन में बीस वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट करना था ये मेरे आइडियल सेल्स होते हैं कि भाई अगर मानो कोई भी बैटरी है 20 वोल्ट की तो जब मैं बोलूं कि ये बैटरी इतने वोल्ट की है मतलब मैं उसके ईएमएफ की बात कर रही हूँ उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने की पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की उसको ईएमएफ बोला जाता है तो अगर मानो मेरे पास कोई आइडियल सेल है ठीक है कि ये सेल किसी भी तरीके की चोरी वगैरह नहीं करता किसी भी तरीके की काम चोरी नहीं करता किसी भी तरीके का इसके अंदर आलस पन नहीं है तो अगर मानो ये अगर बैटरी आइडियल है तो अगर ये 20 वोल्ट की है तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी अगर ये 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी नॉन आइडियल बैटरी वो होती है जो अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करती जैसे कि आइडियल तो वो हो गया जो अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है अगर उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की है तो वो अपने अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेगी सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप बीस वोल्ट का एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्रिएट करेगी है ना वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मानो अगर मेरे पास एक ऐसा सेल हो जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस हो जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये मेरे पास सेल है

कि मानो मैं तुम्हें बोलूंगी भाई ये मेरे पास एक्सटर्नल रजिस्टर है सात ओम का ये मेरे पास बैटरी आ गई तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तीन ओम आ गई और मानो मैंने तुम्हें बोला कि भाई जो बैटरी का ईएमएफ है वो है ट्वेंटी वोल्ट अब देखो मैं तुमसे कुछ भी आ, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ जैसे कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ बताओ करंट कितना आएगा इस सर्किट के अंदर मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है मानो मैं ये सारी चीजें पूछ लू तो यार हाउ बेसिक इज दिस इस पूरे के पूरे लूप में मेरे पास सिर्फ एक बैटरी है जो पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करेगी और वो है मेरा ट्वेंटी वोल्ट तो क्या मैं बोल दूं कि भाई ये मेरे पास बीस वोल्ट की का ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आई का करंट फ्लू करेगा और ये जो मेरे पास आई का करंट है सात ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप क्रिएट करेगा और तीन ओम के अक्रॉस भी ड्रॉप क्रिएट करेगा तुम देखो ना ये जो मेरे पास पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसमें दो रेजिस्टर्स आ गए ना सीरीज में कि अगर इसके अक्रॉस आई का करंट है इसके अक्रॉस भी तो आई का करंट है तो मैं बोल दूंगी कि दो दोनों कंपनी दोनों रेजिस्टर्स मेरे पास सीरीज में आ गए तो मैं बोल दूंगी कि बैटरी बीस वोल्ट की है तो 20 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस क्रिएट हुआ कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस क्रिएट हुआ इसके अक्रॉस 7 आई हो गया इसके अक्रॉस 3 आई हो गया तो तुम देख पा रहे हो दैट ट्वेंटी वोल्ट इट इज इक्वल टू टेन आई तो आई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास दो एम्पेयर इसका मतलब समझे इसका मतलब ये है कि अगर मानू मैं एक्सटर्नल सर्किट को स्टडी करूं एक्सटर्नल सर्किट देखो बच्चों ये है मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट ध्यान देना क्योंकि अभी मैं एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट के बारे में बात करने वाली हूँ ये है मेरा एक्सटर्नल सर्किट तो अगर मानो मैं तुमसे कि भाई एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है तो तुम बोलोगे कि दी वी इज इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल इंटरनल पहला दूसरा कॉम्बिनेशन सबके लिए वी इज इक्वल टू आई आर तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैं देखूंगी कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट है मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है तो अब यहाँ पर करंट की वैल्यू तो होगी दो एम्पेयर और एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है सात ओम तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फोर्टीन वोल्ट तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ तो ये जो मेरे पास बैटरी है ना बच्चों ये मेरे पास नॉन आइडियल बैटरी है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम केपेबिलिटी थी पोटेंशियल ड्रॉप को क्रिएट करने की वो बीस थी तो इसने क्या किया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक तो फोर्टीन वोल्ट क्रिएट कर दिया और बच्चा कुछ अपने अक्रॉस क्रिएट कर दिया बिच इज सिक्स वोल्ट दैट इज इट तो कहने को डिफरेंट है लेकिन कहने को सेम भी है क्योंकि वी इज इक्वल टू आई लग रहा है जो जितने भी कंसेप्ट बताने थे ना मैं तुम्हें सारे बता चुके हूँ बस अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जैसे हमें चुल हुई कि हम लोगों ने अभी तक जो नॉलेज गेन की है आओ उसके उसको सेल में अप्लाई करते हैं तो जिन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है वो इंटरनल ड्रॉप नहीं क्रिएट करेंगे तो उनका जो भी ई है वो इतना ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देंगे अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा सेल है जो नॉन आइडियल है मतलब जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो अगर उसकी ई एम एफ की वैल्यू कुछ है तो उसमें से कुछ हिस्सा बाहर जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्मेट में जिसको एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है बचा हुआ हिस्सा अंदर आएगा जिसको इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है बात बस इतनी है इससे ऊपर कुछ है ही नहीं

उसी तरीके से तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ कितना इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है तो तुम बोलोगे इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा कितना करंट है मल्टीप्लाइड इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मानू मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं तो फार्मूला ये आ जाता है बट व्हाट विल आई डू ऑफ दिस फॉर्मूलास व्हाट विल आई डू ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस फार्मूला और दिस फार्मूला नथिंग मुझे वी इज इक्वल टू आई आर लगाना है एंड दैट दैट इज गोइंग टू बी ऑल बस दैट इज इट तो यहाँ पर ना एक एक और यहाँ पर एक टर्म आता है जैसे ई का एक टर्म मैंने तुमसे तुम्हें इंट्रोड्यूस किया कि ई वो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है जो एक बैटरी क्रिएट कर सकती है है ना अगर आइडियल सेल है तो उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी का ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा अगर वो नॉन आइडियल सेल है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसका अंदर भी आएगा और बचा हुआ बाहर जाएगा वैसे एक और टर्म है जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मानो तुम सेल की एक प्लेट से लेके दूसरे प्लेट तक आओ तो तुम्हें कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा वही टर्मिनल पोटेंशियल है तो बच्चों इसके फॉर्मुलाज नहीं होते देर आर नो फॉर्मूलाज हेयर एक भी फॉर्मूला नहीं है

करंट कैसे निकालूंगे कि भाई मेरे पास 24 वोल्ट है 24 वोल्ट की वजह से इस तरीके से आई का करंट फ्लो करेगा तो सबसे पहले आई का करंट फ्लो करेगा दो ओम के अक्रॉस फिर आई का करंट फ्लो करेगा वन ओम के अक्रॉस तो बेसिकली 24 वोल्ट की वजह से थ्री आई का करंट फ्लो कर रहा है है ना आई का करंट फ्लो कर रहा है थ्री ओम के अक्रॉस तो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई ए ट अब लगा भाई ओपन रूल लगा अभी तुम्हारी टीचर ने सिखाए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं मानो इसको मैंने ए बोल दिया इसको मैंने बी बोल दिया तो मैं निकाल रही हूँ बी ए माइनस वी बी चलो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हुआ नहीं यहाँ पर दो ओम के अक्रॉस आठ एम्पेयर का करंट फ्लो किया तो ड्रॉप आया सोलह का यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हुआ नहीं दिस गिव्स यू द आंसर चाहे एक सेल हो मल्टीपल सेल हो कोई फर्क ही नहीं पैंता जैसे कि लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन है ना सबसे पहले हम क्या करेंगे ना ये देखो बच्चों मैंने दो सेल लिए इस सेल सेल को मैंने ए इस no इसका, इसका, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालो फिर मैंने तुमसे पूछा इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालो ठीक है सबसे पहले करंट से शुरुआत करेंगे तो करंट बच्चों तुम लोग देखो ना ये वाली बैटरी भी बोल रही आ, तुम करंट देख लो करंट कैसे आएगा इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में करंट है इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में करंट है तो यहीं से मैं हिसाब लगा सकती हूँ कि करंट आएगा ऐसे तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो आ, लगा लो तुम क्लोज्ड लूप रूल लगा लो क्लोज लूप रूल लगाओगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा कि पचास वोल्ट की बैटरी और दस वोल्ट की बैटरी मिलके बोल रही है कि आई का करंट फ्लो करे छे ओम के अक्रॉस आई का करंट फ्लो करे तीन ओम के अक्रॉस आई का करंट फ्लो करे वन ओम के अक्रॉस तो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आई का करंट 10 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा तो आई की वैल्यू आ गई छ एम्पियर देखो अगर मानो मुझे कॉज इज इक्वल टू तो कॉन्सिक्वेंस के टर्म्स में भी लिखना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉज आ गया मेरे पास कितना 6 आई का यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं आया यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक और कॉज एक और कॉन्सिक्वेंस आ गया वन मल्टीप्लाइड बाई आई का इसी डायरेक्शन में दस वोल्ट की बैटरी ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो एक कॉज आ गया दस का फिर मैं और आगे चली तो तीन ओम के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है आ, आई की वजह से तो एक और मेरे पास कॉन्सिक्वेंस आ गया थ्री मल्टीप्लाइड बाई आई बैटरी भी आ रही है जो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करना चाहती है तो एक और कॉज आ गया आ, मेरे पास फिफ्टी का सेम चीज आ रही है तो तुम ये देखो ना ये वाली बैटरी भी बोल रही है कि भाई इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो ये वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो तो जिस नेट पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से करंट आएगा वो 50 प्लस टेन हो गया विच इज 60 द इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो 60 की वजह से आई का करंट आएगा ऐसे जो छ के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा वन के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा तीन के अक्रॉस भी ऐसे फ्लो होगा हो तो आई की वैल्यू मैंने निकाल ली अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ बच्चों एक बार तुम्हारे पास आई की वैल्यू आ गई ना अब चीज़ें सिंपल हो जानी चाहिए क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या है जैसे कि मानो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल ए का निकालना है तो मैं क्या करूंगी के के पॉजिटिव टर्मिनल से के, टर्मिनल से लेके नेगेटिव तक जाऊंगी और ड्रॉप मेजर करूंगी मतलब मुझे वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू निकालनी निकालो बेटा सबसे पहले ऐसे चले कुछ नहीं आया फिर ऐसे चले कुछ नहीं आया फिर ऐसे चले तो छे एम्पियर का करंट फ्लो किया छे ओम के अक्रॉस तो ये मेरे पास कितना आ गया कॉज कॉन्सिक्वेंस नहीं देख रही ओपन लूप लगा रही हूँ मैं है ना तो यहां से लेके यहाँ तक गई छे ओम के अक्रॉस केम्पियर फ्लो किया तो थर्टी सिक्स वोल्ट आया यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं आया अब यहाँ से लेके यहाँ तक गई तो एक तो मेरे पास रेजिस्टर आ रहा है वन ओम का रेजिस्टर आ रहा है जिसके अक्रॉस छे एम्पियर अगर फ्लो करेगा तो छे वोल्ट का ड्रॉप आएगा दूसरा मेरे पास बैटरी आ रही है जिसके नेगेटिव टर्मिनल से लेके अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल तक जाऊं तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता है तो ये मेरे पास नेगेटिव टेन आ गया मैं अब और चली आगे दैट इज इट आंसर मेरे पास कितना आ गया? एक बार जरा सा देखो थर्टी टू वोल्ट दी आंसर कि सबसे पहले यहां पर चले कुछ नहीं हुआ फिर यहां, फिर, यहां फिर यहां पर चले फिर यहां पर चले फिर यहां पर चले फिर ऐसे चले तो जब तो मैं से चले दोनों आए ना बच्चों एक तो बैटरी आया जिसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाओ तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता है तो नेगेटिव टेन। एक आया जिसमें इस डायरेक्शन में करंट है तो इसी डायरेक्शन में ड्रॉप है गिव्स आंसर तीन क्वेश्चन हो गए सोचो प्रैक्टिस सेशन नहीं है तब भी तीन क्वेश्चन हो गए ओपन लूप के ऊपर एक और क्वेश्चन ये बन जाएगा जब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे बी के अक्रॉस तो अब की बार हम लोगों को क्या करना है बी के पॉजिटिव टर्मिनल से बी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाना है शियल होगा वी एक्स माइनस वी वाई ये जो ड्रॉप होगा दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बी चलो शुरू करो सबसे पहले ऐसे चले तुम अब बच्चों जब तुम ऐसे चले सॉरी अब जब तुम ऐसे चले तो दोनों रीजन आए ना तुम्हारे पास देखो जब तुम ऐसे चले दोनों रीजन आए ना तुम्हारे पास एक तो बैटरी आया जिसके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हो तो उसको ड्रॉप नहीं बोला जाता तो नेगेटिव फिफ्टी

4 volt. एक बार देखिए तुम्हारे सामने प्रैक्टिस सेशन ना होने के बावजूद तुम्हारे सामने चार बार ओपन लूप लगा लिया तीन बार क्लोज्ड लूप लगा लिया टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब बस जान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू करो और उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाओ जो तुम्हें ड्रॉप देखने को मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल है चाहे मैं चाहे मेरे सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो या फिर मेरे सर्किट के अंदर दो सेल हो हजार सेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब सेम रहेगा ठीक है जी ये इस तरीके से एक क्वेश्चन टाइप ये वाला आ जाता है अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि फिर बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से तो देखो बच्चों अगर कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं या तो करंट वरेंट पूछ लेंगे तो उसके लिए तो मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है ना लेकिन फिर भी अगर मुझे तुम्हें एक फॉर्मूला देना हो कि मानो मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ दी सेल है जहां पर एक सेल ऐसे है जिसका ई इतना है इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है दूसरा मेरे पास ई इतना है इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है मैं इन सेल्स को uh, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई बताओ यहाँ पर वट इज गोइंग टू बी द ऑफ देशन तो तुम देख पा रहे हो कि इस पूरे के पूरे कम्बिनेशन में दो ही बैटरी है पहली वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो दूसरी वाली बैटरी भी बोल रही है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो तो मेरे पास E1 वन प्लस ई टू इज गोइंग टू बी देशन देखो ना इस पूरे के, मेरा सर्किट ही पूरा का पूरा लूप है तो इस सर्किट में इस लूप में दो ही सेल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो यार फिर ये बहुत ऑब्वियस सी बात आ जाती है कि दोनों की दोनों का जो ईएमएफ है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और ईएमएफ ऑफ दी कॉम्बिनेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी e1 e2 है ना अब की बार मान मैं इस तरीके से ना ये वाला चेंज कर दूं जस्ट वंस अगेन

तो पहले वाला सेल बोल रहा है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो दूसरे वाला सेल बोल रहा है इस डायरेक्शन में ड्रॉप क्रिएट करो ये बड़ा भाई था इसकी चल गई ये बड़ा भाई था इसकी चल गई तो इसका मतलब अब जो के अक्रॉस आएगा बिल्कुल वेक्टर्स की तरह इस डायरेक्शन में आएगा विच इज ई वन माइनस ई टू तो यहां पर पहले वाले सिनारियों में दोनों सपोर्ट कर रहे थे तो ई एम एफ अक्रॉस देशन आया ई वन प्लस बाद में नहीं सपोर्ट कर रहे तो ईवन माइनस ई टू

तो so, रेजि uh, uh, मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द कम्बिनेशन एंड व्हाट इज द करंट इन दी सर्किट तो तुम देखो ना मेरे मेरा ये जो सर्किट है एक लूप है तो इजी हो जाता है ये देखना कि भाई पहले वाला जो सेल है वो बोल रहा है इस डायरेक्शन में तीन वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो दूसरे वाला सेल भी बोल रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में दो वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो लेकिन तीसरा वाला सेल बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में दो वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट करो तो इस डायरेक्शन में नेट ड्रॉप पांच वोल्ट का है इस डायरेक्शन में दो वोल्ट का है तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा तीन वोल्ट का है ना मोटा भाई जीत जाएगा ना तो तुमने देखा कि भाई जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में आएगा जिसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइव वोल्ट माइनस टू वोल्ट विच इज इक्वल टू थ्री वोल्ट दैट्स इट तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई ये वाली वैल्यू आ गई तीन वोल्ट अब तो खत्म ही है अब तो तुम्हारे पास खत्म ही है अब अब मान लो तुमसे रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन पूछे तो सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन आ जाएगा एक ओम प्लस दो ओम प्लस तीन ओम प्लस बारह ओम बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह जिसकी वैल्यू कितनी आ गई अठारह ओम अगर तुमसे पूछा जाए करंट कितना है सर्किट में तो भाई ईएमएफ कितना है सर्किट में इट इज करंट कितना है सर्किट में मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में सर्किट में जो नेट ईएमएफ है उसकी वैल्यू है तीन वोल्ट करंट मुझे निकालना है सर्किट के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है अट्ठारह ओम तो करंट सर्किट में कितना आया वन बाई सिक्स ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ देर आर सम फॉर्मुलाज टू मेमोराइज बट देर आर सम समार्मूलाज आर टू नेवर मेमोराइज ये वाली, वाली मेरे पास आ गई सॉल्व करो इसको वैसे मेरे पास आ लेकिन में में तुम्हें याद रखना है। में तुम्हें याद याद रखना रखना है है कि ईएमएफ ऑफ़ कैसे निकालते हैं तो कैसे निकालोगे ध्यान देना पहले वाले सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस

फॉर्मेट में करा देती हूँ मैं तुम्हें बोलूँ ये दस वोल्ट है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस दो ओम है ठीक है मैंने इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर लिखी हुई है ये पांच वोल्ट है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस चार ओम है मैं तुमसे पूछ रही हूँ वट इज देशन एंड वट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन दोनों बताओ तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द दम्बिनेशन निकाल लो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है सो वन बाई स्मॉल की वैल्यू मेरे पास आगे फोर बाई थ्री ओम ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से निकलता है ई कम्बिनेशन डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ईन बाई आर वन प्लस ई टू बा अब तुम्हें substitute करनी है चीजें पहले वाले का जो ई है दस वोल्ट है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दो ओम है दूसरे वाले का जो ई एम वो वोल्ट है और उसकी जो internal resistance है वो चार ओम है ये वाले वाले मेरे पास फोर बाई थ्री है तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो थ्री बाई फोर इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय फाइव प्लस बाई फोर है ना मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव बाई फोर है ना तो थ्री ई की वैल्यू आगे ट्वेंटी फाइव ई की वैल्यू तुम्हारे पास आगे ट्वेंटी एक बार जरा सा देखिए जी देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव बाई थ्री वोल्ट इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि अगर मानो मुझे कम्बिनेशन ऑफ दी सेल को एक सेल से रिप्लेस करना हो तो वो वाले सेल का जो ई है वो आएगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री वोल्ट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी फोर बाई थ्री ओम क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर जैसे कि देखना ये पैरल मैंने एक और कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने बोला कि भाई इसका ई इतना इंटरनल रेजिस्टेंस इतने इंटरनल रेजिस्टेंस इतने ये छह ओम से कनेक्टेड है तो मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ यहाँ पर करंट कितना आएगा वट विल यू डू तुम इसको एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करोगे ना कि तुम बोलोगे यार दी ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमें अगर हमें हमारे पास एक सेल होता और उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती जो 6 ओम से कनेक्टेड होता हम आपको तुरंत आंसर बता देते यही सोचोगे ना तुम लोग तो कर लो ना इम एफ ऑफ द निकाल लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन निकाल लो फिर करंट निकालते रहना तो तुमने सोचा कि भाई चलो पहले यही करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द निकाल देश तो वो आया अब दो ओम और दो ओम ओम और अगर पैरेलल में हो तो वन ओम आता है तो तुम्हारे पास आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस कम्बिनेशन का वन ओम है तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास वन ओम अब तुम्हें ई एम एफ ऑफ द कम्बिनेशन निकालना है जो फॉर्मूला से आता है विच इज ई कम्बिनेशन बाय आर कम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ई वन बाय स्मॉल आर वन प्लस टू बाई 2 तो पहले वाले का ई एम एफ दस है वो 6 है, पहले वाले की internal resistance दो, दूसरे वाले इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आया ई इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री विच इज एट वोल्ट तो मतलब इसको आठ वोल्ट की बैटरी लो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओम है अब ये सॉल्व करना थोड़ी मुश्किल है टॉपिक के ऊपर रह ले लीजा ये सॉल्व करना मुश्किल थोड़ी है कि तुम्हारे पास ऐसे आठ वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ओम ओम जो इस तरीके से छे ओम से कनेक्टेड है तो तुम बोलोगे कि भाई आठ वोल्ट ही वो रीजन है जिसकी वजह से आई का करंट छ वन के अक्रॉस फ्लो करेगा छह वोल्ट की वजह से आई का करंट सात ओम के अक्रॉस आएगा तो करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई करंट की वैल्यू आ ये देखो बढ़ा दिया, बढ़ा दिया दिया लेवल बिल्कुल डिफिकल्ट थोड़ी हुआ लेकिन ये क्वेश्चन देखो लेवल पूरा बढ़ा दिया लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं हुआ लेंदी हुआ ठीक है डिफिकल्ट नहीं बोल सकते लेकिन तुम इसको तो जब सीरीज कम्बिनेशन आए तब चीजें बड़ी जेनवन होती हैं

तो ये मेरे पास आगे सेल और उसके कॉम्बिनेशन नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ जाता है नोडल एनालिसिस और कुछ पिक्युलर कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स के ठीक है तो देख लो बच्चों ऑलरेडी हमारी कितनी 54 स्लाइड्स हो चुकी हैं ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है फिर भी हम लोगों ने आज की क्लास में खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और अब हमारे बच गए तीन टॉपिक अब हमारे बच गए हैं तीन टॉपिक जिसमें पहले वाले टॉपिक में नोडल एनालिसिस और कुछ पिक्यूलियर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में जिक्र करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे वीटस्टोन ब्रिज के बारे में फिर लास्ट टॉपिक पावर चार घंटे जैसे कि बोला था मुझे लगा चार घंटे से पहले हो जाएगा क्या पता हो भी जाए बट वॉट सो एवर घंटे इज द मैक्सिमम टाइम दैट इट विल टेक फॉर मी टू टीच ऑल ऑफ यू करेंट इलेक्ट्रिसिटी विद दी हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो क्लैरिटी कल की क्लास से आएगी अगर वो आज की क्लास में हो पाती तो मैं आज की क्लास में ही करवा देती वो क्लास इसीलिए रखी हुई है क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन और क्वेश्चन की वजह से आएगी वो कम क्वेश्चन की वजह से नहीं आएगी कम और ज्यादा हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं मैं आज की क्लास के क्वेश्चन को कम बोल रही रूँ किसके कंपेरिजन में आज और कल के सम वाले क्वेश्चन के कम्पेरिजन में कि अगर आज तीस क्वेश्चंस कर रहे हैं कल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीस वन जीरो फाइव के कंपैरिजन में कमी है ना आज सीख जाओ आज कंसेप्ट समझ जाओ उसको अप्लाई करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में कल का जो प्रैक्टिस सेशन है उसका लिंक ऑलरेडी पिंड है ठीक है जी चलिए तो अब जरा सा हम लोग नोडल एनालिसिस के बारे में समझते हैं तो नोडल एनालिसिस के भी ना बच्चों दो तरीके हैं जैसे कि नोडल एनालिसिस का अगर मैं तुम्हें कंसेप्चुअल मतलब बताऊं तो नोडल एनालिसिस का कंसेप्चुअल मतलब होता है जहां पर हम एक सर्किट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं डिफरेंट डिफरेंट वायर्स हैं उनके पोटेंशियल को स्टडी कर रहे होते हैं दैट दैट इज इज इट नोडल एनालिसिस अगर मानो मुझे तुम्हें इक्वेशन ऑफ द नोडल एनालिसिस से इंट्रोड्यूस करना हो तो नोड का मतलब जंक्शन होता है दैट इज इट ये मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये मेरे पास तीन वायर्स है और तीन वायर्स का जंक्शन है ये तो अब जो मैं तुम्हें इक्वेशन देने वाली हूँ उसकी हेल्प से तुम कुछ क्वेश्चन टाइप सॉल्व कर सकते हो बाकी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है तो नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सी नोड के परस्पेक्टिव से इक्वेशन लिखना चाहते हो कौन सी जंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन लिखना चाहते हो एक बार तुमने वो जंक्शन डिसाइड कर लिया नोड डिसाइड कर ली अब तुम देख लो कि उस नोड से एसोसिएटेड कितने रास्ते हैं जो उससे डाइवर्ज होते हुए जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर तीन रास्ते हैं जो डाइवर्ज होते हुए जा रहे हैं अब तुम्हें हर रास्ते के लिए ध्यान से देखना अब तुम्हें हर रास्ते के लिए लिखना है नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, सारे के सारे रास्तों के लिए ये चीज लिख के ऐड कर देनी है वो हमेशा जीरो होगी और ये ना कोई बड़ी बात नहीं है देखो हमारा जो करश का पहला रूल है वो बोलता है इनकमिंग करंट इट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट

तो मैं बोलू आई को कैसे लिखोगे आई को लिखोगे कि भाई करंट ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टर के अक्रॉस और इसको कैसे लिखोगे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर क्रिएट हुआ है डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टर इस साइड पे ले ओ। इस साइड पे ले आओगे तो तुम्हारे पास आ, आ जाएगा बी ए माइनस बी आर वन इज गोइंग प्लस प्लस सॉरी इसको इस साइड ले जाओ इसको इस साइड ले जाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए बाई आर वन प्लस वी बी माइनस वी सी बाई आर टू इज गोइंग टू बीवन बाईस थोड़ी करनी है पहले पढ़ते तो मैं डेरिवेशन लिख के करवाती अब तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है मैं तो ये ऊपर ऊपर से बता रही थी कि ये सारी चीजें बेसिकली जंग आ, हमारे खिरशत के पहले रूल को रीअरेंज करके लिखना है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा मतलब इनकमिंग के लिए जो भी पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टर के अक्रॉस और आउटगोइंग के लिए जो भी पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है डिवाइडेड बाय रेजिस्टर के अक्रॉस वो सेम है तो अब मैं तुम्हें बोलूँ इसको रीअरेंज कर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर लो तुमने कोई भी नोट डिसाइड कर लिया तुम उससे एसोसिएटेड रास्ते देख लो हर रास्ते के लिए लिखो नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन देम जैसे कि इसके लिए मेरे पास आ गया नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ये मेरे पास आ गया नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस ये मेरे पास आ गया नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो मैं तुम्हें तो मैथमेटिकली बता रही हूँ कि ये एक वे ऑफ सॉल्विंग है कि अगर मानो मैं इस नोड से एसोसिएटेड तीनों रास्तों के लिए नोड पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिख दूं तो इन तीनों को ऐड करने से जीरो आएगा जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं एक बार देखना बच्चों मानू मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दू तो अभी मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर ये दिया है गौर फरमाना मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये ये दिया अगर वोल्ट पे है ये बारह वोल्ट पे है तो ये कितने पोटेंशियल के ऊपर होगा तो मैं तुम्हें बोल रही लूँ जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उसको नोड की तरह ले लो तो इस नोड से एसोसिएटेड दो रास्ते हैं एक रास्ता मेरे पास ये आ गया दूसरा रास्ता मेरे पास ये आ गया दोनों रास्तों के लिए करंट को अलग तरीके से लिखो क्या है वो अलग तरीका नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दोनों रास्तों के लिए नोड का पोटेंशियल माइनस हां जी नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस तो मैं तुम्हें बोल दूं जब आप सारे रास्तों के लिए ये लिखेंगे ना और फिर आप जब उनको ऐड करेंगे तो वो वाली जो वैल्यू है हमेशा जीरो के इक्वल टू आएगी तो देखो तुमने वी नॉट चुटकियों में निकाल लिया सो दिस इज अ क्वेश्चन टाइप और इस क्वेश्चन टाइप को ऐसे सॉल्व करना हमेशा प्रेफरेबल रहेगा ये मैं अभी तुम्हें थ्योरी नहीं करा रही हूँ एक वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग बता रही हूँ तो अब तुम लोग निकाल सकते हो वी नॉट बायस माइनस ट्वेंटी बाय सिक्स प्लस वी नॉट बाय फोर माइनस ट्वेल्व बाय फोर की वैल्यू आ गई जीरो निकालते रहो एक और क्वेश्चन कराऊं जैसे कि तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली डेफिनेटली देखे देखे होंगे होंगे ना यार यहीं से ब्रिज का जो कंक्लूजन है वो भी प्रूव होता है वहां पर आगे जाएंगे तो मैंने तुम्हें अब की बार बोला कि भाई ये दस वोल्ट पे ये बीस वोल्ट पे चार वोल्ट पे है यहाँ पर वन ओम है यहाँ पर दो ओम है यहाँ पर पांच ओम है मैंने तुमसे पूछा इसका पोटेंशियल बताओ मैंने तुमसे ये पूछा तो तुमसे जिस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जा रहा है उसको नोड की तरह ले लो ना तो मानो ये नोड मैंने ले लिया अब मुझे देखना है इस नोड से एसोसिएटेड कितने रास्ते हैं तो एक रास्ता मेरे पास ये आ गया दूसरा रास्ता मेरे पास ये आ गया और तीसरा रास्ता मेरे पास ये आ गया हर रास्ते के लिए क्या लिखेंगे नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय बाई रेजिस्टेंस नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस नोड का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो मैं तो मैं बोल रही हूँ जब तुम सारे रास्तों के लिए ये लिख दोगे ऐड कर दो वो हमेशा जीरो आएगा इसका मतलब तो एक ही वेरिएबल बच गया ना यहाँ पे बताइए एक ही वेरिएबल बच गया ना तो वी नॉट निकाल सकते हो ना बिल्कुल निकाल सकते हो हाँ जी देखिए बिल्कुल निकाल सकते हो तो ये आ गया नोडल एनालिसिस जो मैथमेटिकल थी ठीक है ये मैथमेटिकल नोडल एनालिसिस आ गई अब एक नोडल एनालिसिस होती है जो कंसेप्चुअल होती है और कंपेरिटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं तुम्हें ये कम्बिनेशन दू मैंने ये कम्बिनेशन दे के तुमसे पूछा ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताओ कितना है सॉरी ए और बी के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस बताओ कितनी है तो तुम बेसिकली क्या कंसिड तुम्हें अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है तो तुम ए और बी के पॉइंट्स को स्टडी करोगे और उसके साथ जो लिंकड है उनके पॉइंट्स को स्टडी करोगे दिस इज द कंसेप्चुअल नोडल एनालिसिस ये थी मैथमेटिकल नोडल एनालिसिस जिसके ऊपर बता के दो क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन कल करेंगे ये कंसेप्चुअल नोडल एनालिसिस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले ए की नोडल एनालिसिस करूं तो ए से एसोसिएटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर होने चाहिए अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी से एसोसिएटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर होने चाहिए एक मेरे पास कोई पॉइंट ये भी आ रहा है और ये पॉइंट जिन भी पॉइंट से एसोसिएटेड है वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल के ऊपर है मानो तुमने इसको बोल दिया कि भाई ये एक्स के पोटेंशियल पे है

एक्चुअली में रेजिस्टेंस पूछी हुई है और मुझसे एक्चुअली में रेजिस्टेंस किसके बीच में पूछी हुई है ए के बीच में और बी के बीच में अब तुम देख पा रहे हो ए और बी से ए और बी के अलावा एक और पॉइंट आ रहा है विच इज एक्स दिस इज ऑल्सो नोडल एनालिसिस अब बंद और कौन कौन से कहां पर आएंगे ये देखो ग्रीन और येलो के बीच में ये देख लो ग्रीन और येलो के बीच में तो ग्रीन और येलो के बीच में एक तो मेरे पास आ गया वन ओम ग्रीन और येलो के बीच में एक मेरे पास आ गया दो ओम ब्लू और येलो के बीच में ब्लू और येलो के बीच में तो ब्लू और येलो के बीच में एक मेरे पास आ गया चार ओम एक मेरे पास आ गया इस तरीके से दो ओम एक मेरा है ब्लू और ग्रीन के बीच में तो ब्लू और ग्रीन के बीच में एक ये मेरे पास आ गया वन ओम रीड्रा हो गया ना इसको बिल्कुल देखते ही हमें नहीं पता लग रहा था कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख के तो आई एम वेरी श्योर पता लग रहा होगा निकाल सकते हो ना अभी हां जी करो इसको आज जो सॉल्व करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ गया मेरे पास टू बाई थ्री ओम है ना ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फोर बाई थ्री ओम निकाल सकते हो ना वन बाई इसकी जो रेजिस्टेंस है इट इज 1 1 1 तो ये मेरे पास टू बाई थ्री आ गया उसी तरीके से इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री तो मेरे पास अगर मैं और सिंपलीफाई करूं तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर है मेरे पास टू बाई थ्री यहाँ पर है मेरे पास फोर बाय थ्री और इनके साथ है इस तरीके से वन अब टू बाई थ्री और सीरीज़ में है मतलब यहां पर मेरे पास आ गया फाइव बाई थ्री और फाइव बाई थ्री पैर सेक्वल टू वन, से। वन बाय फाइव बाई थ्री मतलब थ्री बाई फाइव प्लस वन बाय वन तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी फाइव बाई एट ओम देखो एक बार ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फाइव बाई एट ओ देखिए सिक्स बाई थ्री होगा ओह मैं समझी अब कौन से सिक्स बाई थ्री की बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला भाई ये सिक्स बाई थ्री आएगा सिक्स बाई थ्री का मतलब टू ओम हो गया अब दो ओम और एक ओम अगर पैरेलल में है तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वन बाय आर की वैल्यू आ गई वन बाई टू प्लस वन बाई वन आर की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री ओम बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया ना देखो थ्योरी हम लोगों ने कितने कम स्लाइड्स में थ्योरी की है हैव यू ऑल नोटिस दिस कितने स्लाइड्स में हम क्वेश्चंस ही कर रहे थे आधी से ज्यादा स्लाइड्स में क्वेश्चंस ही हैं

तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज अगेन मेरे पास एक कंडीशन है जैसे कि डू यू ऑल एक ओपन बीकर है जहां पर एरिया ऑफ सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है एरिया ऑफ द होल से मानो अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है और पानी के सरफेस से डी की डेप्थ के ऊपर अगर मैं कोई होल बनाऊं तो यहाँ से जो पानी है या फिर यहाँ से जो लिक्विड है वो जिस वेलोसिटी से निकलेगा उसको मैं सिंपल काइनोमैटिक से दे सकती हूँ तो ये टोरिसलीज लॉ में तभी अप्लाई कर सकते हो जब सारी की सारी कंडीशंस मीट हो रही हो कौन कौन सी कंडीशंस की ओपन बीकर होना चाहिए दूसरा एरिया ऑफ द क्रोसेक्शन बीकर का बहुत बड़ा होना चाहिए एरिया ऑफ द होल से वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि मानो अगर मेरे पास दो आर्म्स हो ठीक है एक आम ऊपर हो एक आम नीचे हो सच दैट दोनों आर्म्स में दो दो रजिस्टर्स हो और मानो अगर मैं इन दोनों आर्म्स के बीच में एक ब्रिज लगा दूं तो इसको ब्रिज रजिस्टर बोला जाता है तो यहां पर कंडीशन ये है कि अगर इस अरेंजमेंट में कभी भी दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस अगर ये चीज हो जाए तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है ध्यान दीजिएगा मैं तो मैं बोल रही हूँ कि इफ दिस इज द कंडीशन दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स ऑन वन साइड ऑफ द आर्म और आई कैन से इफ द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन वन साइड ऑफ द ब्रिज एंड रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज इफ बोथ द रेशियोज आर सेम अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो फिर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ब्रिज रेजिस्टर के अक्रॉस वो नहीं होगा कि ब्रिज रेजिस्टर के दोनों पॉइंट्स जो हैं दोनों एंड्स जो उसके हैं सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज द कंडीशन तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है जहां पर एक आम ऊपर हो एक आम नीचे हो दोनों दो ब्रिज। मैं बोल रही हूं, ब्रिज होती है। तो जब ये वाले रेजिस्टर्स का रेशियो और ये वाले रेजिस्टर्स का रेशियो सेम हो तब वो बैलेंस्ड होती है और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो आप उसको नलिफाई कर सकते जैसे कि मैं इसको अगर एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में कराऊं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा जैसे कि मानो बच्चों मैं तुम लोगों को यहाँ पर ना एक ये क्वेश्चन second। Hi hi हो जा। जस्ट वन सेकेंड आए हाय हो जा जाकेंड ओके मैंने तुम्हें बोला कि भाई इस तरीके से ना कंडीशन है ठीक है ये ये मैंने तुम्हें एक बीट स्टोन ब्रिज दिया मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ कितना कितना यहाँ पर जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है तुम्हें ए और बी के अक्रॉस देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ सकती हूँ अगर इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना हो अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर इस सर्किट के अक्रॉस पचास वोल्ट की बैटरी है तो बताओ पचास वोल्ट की बैटरी कितना करंट दे रही होगी जी देखिए तो तुम देख पा रहे हो बैलेंस्ड है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो वन बाय टू है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का रेशियो वन बाय टू है तो तुम लोग देख पा रहे हो कि भाई ये जो मेरे पास कंडीशन है बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है तो अगर मानो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है इसका मतलब ये चला गया तो अगर मानो ये चला गया तो मेरे पास ऐसे सर्किट रह गया ना तीन और आ, थ्री आर और आर थ्री आर और आर यहाँ पर आर की तो तुम्हें दी हुई है आर की वैल्यू वन ओम है क्वेश्चन में तो थ्री आर और आ, आर मेरे पास सीरीज में है तो फोर आर हो गया फोर आर का मतलब फोर ओम सिक्स आर और टू आर जो कि आठ आर हो गया एट मल्टीप्लाइड बाई वन आठ ओम ऐसे है तो अब मेरे पास ये सर्किट बन गया देखो तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर जाऊं कि भाई इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है तुम बोलोगे वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय फोर प्लस वन बाय एट है ना तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई एट डिवाइडेड बाई थ्री ओम तो अगर मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है जो आई का करंट दे रही है 8 बाई थ्री ओम के अक्रॉस तो ही बात है करंट की वैल्यू मेरे पास 150 फिफ्टी डिवाइडेड बाई एट एम्पेयर होनी चाहिए देख लो ओम्स लॉ लगा रहे हैं ना फटाफट से देखिए देख पा रहे हैं ना आया ना एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हर तरीके के क्वेश्चन जो हैं बिकॉज मेरे पास अभी टाइम है कि चार घंटे की क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे तो ले ही सकते हो सो so, मैं ये क्वेश्चन तो मैं आज ही कराना चाहती हूँ ऐसे और क्वेश्चन और रिपीटेशन के लेकर कल और करवा दूंगी है ना अब मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दो मैंने तुम्हें बोला ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ तो तुम ए और बी को स्टडी करोगे तो ए का एक नोड आ गया अब तुम देख पा रहे हो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उतने ही पोटेंशियल के ऊपर है जितना पोटेंशियल ए का है फिर तुम बोलोगे कि भाई ये मेरे पास बी की नोड है और ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे उतने ही पोटेंशियल के ऊपर है जितना मेरा बी का पोटेंशियल है देख पा रहे हो है ना फिर मेरे पास आ जाते हैं तुम देखो फिर मेरे पास आ जाता है एक तो ये हाँ जी फिर मेरे पास आ जाता है ये फिर मेरे पास आ जाता है ये फिर मेरे पास आ जाता है ये तो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग बेसिकली वॉट आई कैन सी इज कि अगर मानो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो भाई ऐसा डायग्राम बना लो ना देखो इससे बेटर है ना आप ऐसा डायग्राम बना लो ये इसको ये बीच वाली लाइन को आप टेढ़ा क्यों कर रहे हो ऐसा डायग्राम बना लो तुम देखो ना अगर मानो ये बीच वाली आम ग्रीन और ब्लू के बीच में है तो बीच वाली आम ग्रीन और ब्लू के बीच में चाहे ऐसे हो या फिर वो ग्रीन और ब्लू के बीच में ऐसे हो बात तो सेम ही है ना तो दिस इज नोडल एनालिसिस दैट वी आर स्टडिंग दी सर्किट एंड सिंप्लीफाइंग आर डायग्राम्स कि भाई ये जो मेरे पास बीच वाली आम है ये बीच वाली आम ग्रीन और ब्लू के बीच में है तो ग्रीन और ब्लू के बीच में मैं इसको कुछ ऐसे रिफॉर्म कर दूंगी मैं इसको कुछ ऐसे रिड्रॉ कर दूंगी मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मैंने ऐसे कर दिया ग्रीन और ब्लू के बीच में कि देखो ये जितने भी है वो ग्रीन के पोटेंशियल के ऊपर है ये जितने भी हैं वो मेरे पास ब्लू के पोटेंशियल के ऊपर अब ये मुझे फिर भी समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है सो दैट इज वॉट वी डिड तो आर और आर टू आर आर ऑर आर टू आर आर ऑर आर टू आर, आर तीन बाई टू आर अगर पैरेलल में है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने आ गई टू आर बाई थ्री है ना वन बाई आर इक्विल्वल टू वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी टू आर बाई थ्री सो दिस इज नोडल एनालिसिस मैंने तुम्हें एक मैथमेटिकल नोडल एनालिसिस करा दिया और अब मैं तुम्हें एक ये वाली नोडल एनालिसिस करा रही हूँ और क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा उसके अंदर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे बाय बा, बा, बाकी आई एम होपिंग कि ये तुम लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हो व्हाट इज वीटस्टोन ब्रिज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है ना वीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में होता है वीटस्टोन ब्रिज अगर हो जाए तो क्या होता है और कैसे हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल भी और इस तरीके से कंसेप्चुअल भी देख लो और क्वेश्चंस 3 बजे वाले सेशन में जो कल होगा तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे अब आगे हम लोग के के एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है पोटेंशियो मीटर तुम्हारे डिलीटेड टॉपिक है हमें पोटेंशियो मीटर बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर सकें तो देखो मीटर ब्रिज बेसिकली जैसे वोल्ट मीटर नहीं होता वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं अम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी वायर के अंदर करंट को मेजर कर सकते हैं वैसे मैं बोल रही हूँ मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सेटअप है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अपारिटस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रजिस्टर की अननोन रजिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो पहले देखो कि वीट ब्रिज होता कैसा है सॉरी मीटर ब्रिज होता कैसा है तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर ना एक मीटर वायर लेंगे एक मीटर की वायर लेंगे ये एक मीटर की वायर बनी होंगी कॉन्स्टेनन और मैंग्रेन से ताकि अगर मानो यहाँ पर जो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से अगर कोई भी हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से कोई भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो उस टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस ना बदले या फिर उस टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत 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 कम बदले मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बहुत 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 छोटी है है ना तो मैंने अभी तक क्या बताया कि मीटर ब्रिज में इस तरीके से एक वन मीटर की वायर होगी जिसको कॉन्स्टेन या फिर मैगनन बोला जाएगा अब ये जो वायर है एक बैटरी से कनेक्टेड होगी पहला एक बैटरी से कनेक्टेड होगी और इसके पैदल में बच्चों ये कनेक्टेड होगी एक ऐसे सेटअप से जैसे यहाँ से एक वायर गई यहाँ पर जगह आ गई एक रजिस्टर को रखने की यहाँ पर एक और जगह गई रजिस्टर को रखने की ऐसे बीच में कनेक्टेड होगा गलवानो और गलवानो से कनेक्टेड होगी एक जॉकी जॉकी का मतलब कंडक्टिंग पेन जैसे कि ये जो पेन देख पा रहे हो दिस इज अ मैग्नेटिक पेन उसी तरीके से ये वाला जो पेन है इट इज अ कंडक्टिंग पेन तो मैं तुम्हें बोल रही हूं क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम देखो ना एक ब्रिज दूसरा ब्रिज यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस तो क्या मैं बोल दू कि अगर मानो मेरे पास नीचे वाली वायर के किसी भी पॉइंट के ऊपर जॉकी लगाने से अगर यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए सो दिस इज द मीटर ब्रिज कि जिसके अंदर मेरे पास एक वीट स्टोन ब्रिज का सेटअप हम लोग एक वीट स्टोन ब्रिज का सेटअप बनाते हैं जहां पर ऊपर वाली आम में दो रजिस्टर रखने की जगह होगी तो मैं एक नॉन रेजिस्टर रख सकती हूँ दूसरी जगह वो रेजिस्टेंस रख सकती हूं, जिसकी रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है और अगर मानो मैं नीचे वाली आम की बात करूं तो नीचे वाली आम में एक वन मीटर की वायर है तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले अपने जॉकी को यहाँ पर कनेक्ट करूंगी और फिर इस जॉकी को इस तरीके से स्लाइड करूंगी एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पर मुझे ये वाली आम में करंट नहीं नजर आएगा एक तो ऐसा मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा ना जहाँ पर इस इससे कनेक्टेड जो गलवानो मीटर है इस ब्रिज में वहां पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो क्या मैं बोल दू कि भाई जब इस गलवानो मीटर में मुझे रीडिंग नहीं आएगी तब जो ये वाली जो लेंथ है इसको बैलेंसिंग लेंथ बोला जाता है इसका मतलब ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड की रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस तो ये मेरे पास हो गया बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज दैट कैपिटल आर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द एल वन लेंथ इट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन वन मीटर माइनस एल वन लेंथ तो मेरे पास आ गया आर बाय एक्स इट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस इन द एल वन लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द वन

तो अगर मानो मुझे बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर मिलती है इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, अगर वो मेरे पास 40 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू पूछी हुई है तो बैलेंसिंग लेंथ का मतलब ये है कि ये जो ब्रिज वायर है जिससे कनेक्टेड एक गलमानू मीटर है जिससे कनेक्टेड जॉकी है अगर मैं उस जॉकी को 40 सेंटीमीटर के बाद लगा दू ना तो इस ब्रिज के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करता इसका मतलब ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ की रेजिस्टेंस तो मैं बोल दूंगी कि 10 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द 40 सेंटीमीटर वायर इट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर वायर है ना बचा हुआ 60 सेंटीमीटर आ गया ना क्योंकि मेरे पास एक मीटर की वायर है तो तुम्हारे पास आया टेन बाई आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दी सेंटीमीटर वायर डिड बाई सेंटीमीटर वायर जिसका रेशियो आ गया टू बाई थ्री सो इफ टेन बाई आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री तो तुम देख पा रहे हो थर्टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर आर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास पंद्रह कैलकुलेशन यस बस इतना है बस इतना है तो ये यहाँ पर ये है कि एक रेजिस्टेंस इसकी और इसकी रेजिस्टेंस इनकी रेजिस्टेंस का जो रेशियो है और इनकी रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो जब सेम होगा उसी सिनेरियो में इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बिकॉज दैट इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमने बना दिया बस जब वो बैलेंस्ड हो जाता है तो ब्रिज वाली वायर में गलवानो मीटर में जहाँ पर गलवानो मीटर प्रेजेंट है उसमें कोई करंट नहीं आता दैट इज इट एक और क्वेश्चन करना मानो मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई मेरे पास ना दो रेजिस्टर्स थे एक की रेजिस्टेंस आर वन थी दूसरे की रेजिस्टेंस आर थी आर वन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा आर टू और आर को मैंने राइट हैंड साइड पे रखा यहां पर जो बैलेंसिंग लेंथ है पहले वाले सिनारियो में मुझे एल मिला बाद में मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में जो आर है उसको तो एज इट इज रखा बट राइट हैंड साइड में जो आर का था उसकी मैंने शंटिंग R के के साथ ही कर दी तो मैं इंग्लिश बता रही हूँ इंग्लिश में इसको कैसे बोला जाता है तुम्हें तो बोला गया है कि राइट हैंड साइड में पहले आर इकलौता था अब तुम आर की शंटिंग आर के साथ ही कर रहे हो मतलब तुम आर के पैरेलल में आर कनेक्ट कर रहे हो तो जब तुमने आर रेजिस्टर की शंटिंग आर के साथ ही की मतलब जब तुमने राइट हैंड साइड पे जो आर है उसके पैदल में एक और आर कनेक्ट किया तब यहाँ तो बाद में पहले डिफाइन कर देते हैं तो पहली सिचुएशन के लिए डिफाइन करूं तो मेरे पास आ जाएगा आर वन डिवाइडेड बाई एल वन इट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय वन माइनस एल वन दूसरे के लिए डिफाइन करूं देन आई कैन से आर वन बाई एल टू इट इज इक्वल टू आर बाई टू बाई वन माइनस एल टू देखिए मानो थोड़ा सा इसको ना इजी करने के लिए मैं पहले वाले को भी आर ही ले लेती हूँ ये लो पहले वाले को भी मैंने आर ही ले लिया तो मेरे पास आ गया आर बाई एल वन इट इज इक्वल टू आर बची हुई लेंथ विच इज वन माइनस

आर माइनस आर एल टू इट इज इक्वल टू आर एल टू डिडेड बाई टू सो आर इज इक्वल टू थ्री आर एल टू डिवाइडेड बाई टू तो एल टू की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री अब जब मैं इंडिविजुअली डिफाइन कर पा रही हूँ तो मत तो मुझे डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई इंडिविजुअली डिफाइन कर लिया अब डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है वन बाई टू डिडेड बाई टू बाई थ्री तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास सिक्स बाय फोर ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास थ्री बाई टू देख लो व्हाइट में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है जो तुम्हारी फिजिक्स है या ब्लू में है या ये सिर्फ ब्लू में है एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ तुम्हारा ना थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बिकॉज दैट इज इट यही टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए ना देखना बच्चों एक और क्वेश्चन करवाती हूँ यहाँ पे और फिर मीटर ब्रिज खत्म देखना इन क्वेश्चन से तुम तभी डरोगे ना अगर पहले कभी ऐसे पढ़े नहीं हो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल नहीं लगेगी खेसप भी मुश्किल थोड़ी है है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एक क्वेश्चन भी अगर तुम खिरशअप का खुद से लगा लोगे तुमसे खिरशफ के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे बिकॉज लिटरली तुम लोग खिरशफ में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हो आ रहा है तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो नेगेटिव लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं जब आर की शंटिंग टू आर के साथ करती हूँ तो बैलेंसिंग लेंथ एल वन है सॉरी जब मैं R को 2R के साथ बैलेंस करती तो बैलेंसिंग तो पूछा एल वन बाई एल टू निकालो तो यारेश तो बाद की बात होती है ना पहले तो तुम लोग इंडिविजुअली निकालोगे ना तो इंडिविजुअली निकालो सबसे पहले सॉल्व करो <coughs> हाँ जी सबसे पहले सॉल्व करो तो मेरे पास आ जाएगा R डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस L1 लेंथ में है इट इज इक्वल टू टू आर डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस मेरे पास बची हुई मतलब वन माइनस एल लेंथ में तो ये तुम्हारे पास आ गया ना वन बाई टू इज इक्वल टू एल वन बाई वन माइनस तो तुम्हारे पास आ गया वन माइनस एल इज इक्वल टाइम्स ऑफ एल वन की वैल्यू आ गई वन बाई अब दूसरी के लिए करो तो तुम्हारे पास आया r डिवाइडेड बाय l2 या फिर आई कैन से रेजिस्टेंस इन l2 सेम ही बात है रेशियो ही है रेजिस्टेंस r डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन l2 इट इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन बची हुई लेंथ व्हिच इज 1 l2 इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आया 1 by 4 इट इज गोइंग टू बी l2 डिवाइडेड बाय 1 l2 टाइम्स ऑफ निकालो L2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर by अब जब एल वन और एल टू को निकाल लिया अब सिर्फ डिवाइड ही तो करना है तो एल वन मेरे पास आ गया एल टू आ गया मेरे वन बाई फाइव आंसर आया मेरे पास फाइव बाई थ्री क्या ये चीज क्लियर है बिकॉज ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक भी खत्म व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड हमारा मीटर ब्रिज <coughs> बताओ क्या ये चीज क्लियर है तो तुम लोग देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर ये वाली वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वायर की जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए इसके रेजिस्टेंस का बहुत महत्व है इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर जो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज आएगा उसकी वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए इसीलिए हम लोग इसको कॉन्स्टेंटन और मैगन की वजह से के हेल्प से बनाते हैं क्योंकि इनकी अल्फा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होती है मतलब मानो अगर कोई टेम्परेचर चेंज आ भी रहा है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज वेरी स्मॉल आएगा जी एक बार देखिए ये हो गया हमारा बच्चों सेकेंड लास्ट टॉपिक अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक के ऊपर विच ओ माय गॉड इज देशन ऑफ ओम्स लॉ ध्यान दीजिएगा आखिरी टॉपिक है पावर कोई फॉर्मूला इसके अंदर पावर ऑफ द कम्बिनेशन अगर बल्ब सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला कोई बकवास कोई भी बच्चा नहीं करेगा अगर मानो कभी भी मेरे पास एक बल्ब हो या फिर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो किसी भी तरीके का जिसके रेजिस्टेंस आ रहे हैं जिसमें से आई का करंट फ्लो कर रहा है मतलब जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी का है जिसको मैं ओम्स लॉ से निकाल सकती हूँ तो मैं तुम्हें बोल दूँ कि इस डिवाइस के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी बस वही पावर है तो जिस जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला ये आता है कि फॉर्मूला याद रख लो फॉर्मूला याद रख सकते हो ये वाला और कोई फॉर्मूला पावर का नहीं याद होना चाहिए तो ये तो पावर आ गया वी और आई की टर्म्स में अब मानो अगर मैं इसको I और R की टर्म्स में लिखना चाहूं तो वी को आई और आर में कन्वर्ट कर दूंगी तो एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आई को वी और आर की टर्म्स में लिख दूंगी तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया तो पावर है पावर का एसआई SI यूनिट क्या होता है वॉट या फिर जाऊल पर सेकेंड वर्क एनर्जी पावर कर चुके हैं डिमेंशन क्या एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम एनर्जी मेरे पास आ गया एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टाइम तो ये मेरे पास आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री यही है ना कर चुके हैं ना वर्क एनर्जी पावर तो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो मैग्नेटिक पावर हो मैकेनिकल पावर हो इट इज एनर्जी बाई टाइम एनर्जी हैज़ द डिमेंशन ऑफ जाउल सॉरी एनर्जी हैज यूनिट्स ऑफ जाउल चाहे SI so मैं किसी भी पावर की बात करूं एस यूनिट वॉट होगा विच इज डाउल पर सेकेंड और डिमेंशन ये होंगे है ना तो अब एक बार जरा सा बात करते हैं कंसेप्ट के ऊपर तो कंसेप्टा कंसेप्ट फॉर्मूला बता तो दिया वी मल्टीप्लाइड बाई आई वही तुम्हें पावर देता है तो वी और आई के टर्म्स में पावर ऐसे लिखोगे वी और आर के टर्म्स में पावर ऐसे लिखोगे आई और आर के टर्म्स में पावर लिखोगे सारे के सारे फॉर्मूला से आंसर आएगा ऐसा नहीं है कि मानो कोई बच्चा पावर निकाल रहा है कोई इस फॉर्मूला से दूसरा बच्चा इस फॉर्मूला से तीसरा बच्चा इस फॉर्मूला से तीनों का आंसर आएगा फर्क बस इतना है एक बच्चे का आंसर जल्दी आएगा <coughs> क्या बोला मैंने मैंने बोला एक बच्चे का आंसर जल्दी आएगा और उस बच्चे का आंसर जल्दी आएगा जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि अगर मान लो कोई दो चीज गिवन है अगर v और i गिवन है तो उसने ये फार्मूला उठा लिया अगर i और r गिवन है तो ये फार्मूला लगा लिया अगर v और r गिवन है तो ये फार्मूला लगा लिया आंसर तीनों से आएगा ठीक है जैसे कि मान मैं तुम्हें ये कॉम्बिनेशन दे दूं मैंने तुम्हें बोला कि भाई पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पावर बताओ दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पावर बताओ कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पावर बताओ ठीक है बता देंगे एक-एक करके सॉल्व कर लेते हैं तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बात करते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ देखो बेसिकली मुझे चीजों को स्टडी करना है मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है मानो अगर वो सर्किट के अंदर आई का करंट दे रही है तो आई का करंट जा रहा है 6 ओम के अक्रॉस तो ऑब्वियस बात है करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर आ जाएगी आई एम स्टडिंग सर्किट मैं अभी सर्किट को स्टडी कर रही हूँ कि भाई यहाँ पर इस तरीके से दो एम्पेयर यहाँ पर इस तरीके से दो एम्पेयर यहाँ पर इस तरीके से दो एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा तो मानो अगर मैं पहले वाले की पावर निकालू तो पहले वाले के अक्रॉस करंट है पहले वाले की रेजिस्टेंस है सो आंसर तीनों से आएगा लेकिन प्रेफर करो ना पावर को आई और आर के टर्म्स में लिखना तो पहले वाले की पावर आ गई i1 स्क्वायर r1 करंट दो एंपियर का जा रहा है रेजिस्टेंस दो है वैल्यू आ गई 8 वाट तुम्हें तो दूसरे वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है तो आंसर तीनों फॉर्मूला से आएगा प्रेफर करो वो फार्मूला जिससे आंसर जल्दी आए तो दूसरे वाले की पावर होगी दूसरे वाले के अक्रॉस जो करंट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले की रेजिस्टेंस तो दूसरे वाले के अक्रॉस करंट है दो एम्पियर का रेजिस्टेंस की वैल्यू है चार ये वाली वैल्यू आगे 16 सिक्सटीन वॉट अब कोई फर्क नहीं पड़ता ये सीरीज में है या पैरेलल में है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है अगर ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस आठ जाउल के हीट रिलीज हो रही है एक सेकेंड में और ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस अगर सोलह जाउल की हीट रिलीज हो रही है एक सेकंड में तो मेनू कोई फर्क नहीं पैदा कि कि कैसे कनेक्टेड हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंबिनेशन के अक्रॉस 24 फोर जाउल की हीट रिलीज होगी एक सेकेंड में सो so, कंबिनेशन के अक्रॉस जो पावर है वो हो गया 8 वॉट प्लस 16 वॉट विच इज इक्वल टू 24 वॉट देर आर नो फॉर्मूला फॉर दावर ऑफ देशन ये जो तुमने इस बुक में फॉर्मूला देखे उस बुक में फॉर्मूला देखे त्याग दो वर्किंग पावर निकालो कि कितनी पावर है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हर रजिस्टर के अक्रॉस कितनी हीट रिलीज हो रही है एक सेकंड में हीट स्केलर है ना भाई तो अगर इसके अक्रॉस आठ जाऊल की हीट रिलीज हो रही है एक सेकंड में और इसके अक्रॉस सोलह की हो रही है तो जैसे मर्जी कनेक्टेड हो कंबिनेशन के अक्रॉस चौबीस हो रही है अब मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दूं कि भाई पहले जब मैंने आर और टू आर को सीरीज में रखा और वी की बैटरी से कनेक्ट किया तब तो पावर कंबिनेशन का पी वन आया बाद में जब मैंने आर और टू आर को पैरेलल में रखा और सेम बैटरी से कनेक्ट किया अब पावर पी टू आया मैंने तुमसे पूछा कि भाई ऐसा करो पावर का पावर <coughs> का रेशियो बताओ तो तुम्हें तुमसे पावर का रेशियो पूछा हुआ है पावर का रेशियो पूछा हुआ है कम्बिनेशन के लिए तो भाई किसी से भी आंसर आएगा तुम चाहे इसको ऐसे कर लो वी कम्बिनेशन पहले आई कम्बिनेशन पहले डिवाइडेड बाई वी कम्बिनेशन बाद में आई कॉम्बिनेशन बाद में मैं बोलू ऑलवेज यूज मेथड विच विल गेट यू टू आंसर क्विकर तुम देखो ना जो पोटेंशियल डिफरेंस कंबिनेशन के अक्रॉस है वो सेम हुआ ना

के के अक्रॉस अक्रॉस बाद में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिवाइडेड पहले कितने है अभी हो गया। करो R और R पहले में था तो ये वाली गई मेरे पास 3 R. R और टू आर बाई थ्री तो पहले कंबिनेशन के अक्रॉस रेजिस्टेंस इतना था बाद में कम्बिनेशन के अक्रॉस रेजिस्टेंस इतना है तो वैल्यू निकालो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई टू बाय वन सॉरी टू बाय नाइन देखो किसी भी फॉर्मूला से आंसर आएगा बट मेक इट इजियर फॉर यू एंड यूज द फॉर्मूला दैट विल गेट यू टू द आंसर क्विकर मानो अब मैं ये क्वेश्चन लू मैंने तुम्हें बोला कि भाई तीन बल्ब यहाँ पर मेरे पास तीन रेजिस्टर्स हैं ऐसे बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस हैं मेरे पास तीन रेजिस्टर्स हैं ये पहला रजिस्टर है ये दूसरा रजिस्टर है ये तीसरा रजिस्टर है तुमसे बताऊं क्या पूछा हुआ है मानो तुम्हें ये दे दिया जाए कि पावर पहले वाले के अक्रॉस ट्वेंटी एट वॉट है या फिर मानो तुमसे पूछा जाए रेशियो है ना कि पी वन रेशियो पी टू रेशियो पी थ्री रेशियो बताओ कितना होगा तो अब की बार तुम्हें पावर्स को रिलेट करना है तो किसी से भी आंसर आएगा बच्चों क्वल टू वी आई से भी आंसर आएगा I square multiplied by R से भी आंसर आएगा V square by R से भी आंसर आएगा मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेक इट ईजियर फॉर यू टू गेट टू दी आंसर अगर आपको पावर को कंपेयर करना है तो देखो किन किन को कंपेयर करना ईजी है तो तुम देख पा रहे हो कि तुम रेजिस्टेंस को कंपेयर कर पा रहे हो और तुम करंट को कंपेयर कर पाओगे करंट को नहीं कंपेयर कर पाओगे देखो ना ये वाली आम है मान है न मानो ये वाली आम है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आई आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो अगर नीचे वाली आम में रेजिस्टेंस डबल है तो ऊपर वाली आम में करंट डबल होगा कि अगर मानो नीचे x का करंट गया है तो ऊपर का करंट जाएगा मतलब इसके अक्रॉस थ्री एक्स का करंट फ्लो हुआ है तो मैं देख पा रही हूँ कि एक तो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना ईजी है और एक करंट को कंपेयर करना ईजी हो गया तो क्यों ना पावर को आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर की टर्म्स की हेल्प से सॉल्व किया जाए तो ये खत्म आई वन स्क्वायर आर वन रेशियो आई टू स्क्वायर आर टू रेशियो आई थ्री स्क्वायर आर थ्री की है ना ये वाले क्वेश्चन तो हम लोग काफी कर चुके हैं आज की क्लास में कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होने चाहिए तो अगर नीचे वाली आम में रेजिस्टेंस डबल है तो ऊपर वाली आम में करंट डबल होगा अगर समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दो अब तो बिल्कुल हमारा ये नॉर्मल सॉल्व करने वाला हो गया तो ये मेरे पास आ गया थ्री का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर रेशियो टू एक्स का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर रेशियो एक्स का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय टू आर तो ये मेरे पास आ गया नाइन रेशियो फोर रेशियो टू दिस आंसर ये देखो आया ना मेरे पास आंसर एक और क्वेश्चन कर लो मानो में तुम्हें तो आपके बाद ये वाला क्वेश्चन दे दूं बस टीचर्स को बाद में कंपेयर कर लेना देखो टीचर्स को तुम ऐसे कंपेयर करते हो जैसे यू ऑल नो टीचर्स टू जज मतलब एक नॉर्मल सिंगर सुनिधि चौहान को जज कर रहा है तुम्हें इतनी फिजिक्स आती है कि तुम मुझे किसी और टीचर के साथ कंपेयर कर सको तुम्हें क्या लग रहा है मुझे बेटर बता रहे हो मैं खुश हो रही हूँ कि भाव यार स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा पसंद आ रही हूँ नहीं क्या कर रहे हो बच्चों डू यू तुम लोगों को इतनी फिजिक्स आती है कि दो बहुत बड़े फिजिक्स के एडुकेटर्स को तुम कंपेयर कर सको इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम या तो मुझे बेटर बता सको या फिर किसी और टीचर को तुम बेटर बता सको तुम सिर्फ इतना बोल सकते हो तुम्हें किससे ज्यादा समझ में आता है और तुम्हें किससे ज्यादा समझ में आता है उससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे सुमित को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैतन्य को कितना किससे ज्यादा समझ आता है है ना पौशाली को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि मिसबा को किससे ज्यादा समझ आता है सो कीप योर ओपिनियंस टू योर सेल्फ डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी हाँ जी टॉपिक के ऊपर वापस आते हुए क्योंकि फिर बाद में बोलोगे कि, कि दीन हमें समझ नहीं आया

पावर कितने है बुरा मानने की किसी भी स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है कुछ गलत करोगे तुम्हारे मम्मी पापा भी डांटते हैं ना भाई तुम्हें चाहने के ऋषभ गलत करते मैं उनको नहीं डांटती तो तुम्हें नहीं डांट सकती मैं कहने को जब तुम्हारा एडवांटेज हो तब दी बोल दोगे डांटने पे अगर मैं कुछ डांट दूं तो तुम्हें बुरा लग जाए ये सिनारियो नहीं होना चाहिए ठीक है देखिएगा अभी यहाँ पे जिसको मुझसे ज्यादा अच्छा समझ आता है वेरी गुड समझने के ऊपर ध्यान दो तो तुम्हें बोला भाई इसकी पावर बताओ सो बी वेरी जेनविन की भाई देखो मेरे पास आर है तो मैं V मल्टीप्लाइड बाय आई की हेल्प से पावर नहीं निकालूंगी तो या तो मैं P4 की पावर मतलब ये जो मेरा चौथे वाला रेजिस्टर है या तो मैं इसकी पावर निकालूंगी ऐसे या फिर मैं इसकी पावर निकालूंगी ऐसे क्योंकि मेरे पास इसका रेजिस्टेंस इसकी गिवन है तो मैं इन दोनों में से कोई एक अप्रोच लेने वाली हूँ तो मैं तुम्हें बोल रही तुम्हारे लिए करंट निकालना ज्यादा ईजी है बच्चों तुम्हारे लिए ना करंट निकालना ज्यादा इजी है तुम देखो ना अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल तीन का दो ओम के बताओ ये वाला आई का करंट तुरंत आ जाएगा कि भाई ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी तो छह वोल्ट का होगा जब आई का करंट ओम के अक्रॉस फ्लो करे तो आई की वैल्यू आ गई वन एम्पेयर या डायग्राम से सॉल्व कर लो या फिर इक्वेशन में उलझे रहो सेम सोल्यूशन अगर तुम किसी बुक में देख लोगे इतना इतना बड़ा सोल्यूशन गिवन होगा फालतू में बकवास रेजिस्टेंस गिवन था तो तुमने सोचा इन्हीं दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला लगाएंगे है ना अब तुम देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर करंट को मैं आसानी से निकाल सकती हूँ ये वाली आम में कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब जब तीन का दो के अक्रॉस तो तो ना रेजिस्टेंस तो तुम्हें ऑलरेडी इसकी पता थी तो अब देखो कैसे आंसर निकालोगेबल है प्रेफरेबल है इससे निकालो तो पी फोर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई आई फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड सॉरी आर फोर तो ये मेरे पास आ गया वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड yeah. अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं चाहे जैसे कि अभी मैं तुम्हें पावर बता रही हूँ है ना कि पावर कैसे निकाला जाता है अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी रेजिस्टेंस आर है अगर वो सर्किट के अंदर प्रेजेंट हो तो वो बल्ब हो ना हो ठीक है वो तुम्हारा कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो चाहे मैं तुम्हारे फ़ोन को लगा दूँ यहाँ पे इस कैमरा को उठा के लगा दूँ यहाँ पे मेरे लैपटॉप को लगा दूँ यहाँ पे बल्ब को लगा दूँ कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस किसकी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई का करंट है अगर आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी का पोटेंशियल डिफरेंस है पावर ऐसे निकलेगी तीन फार्मूलाज हैं वी और आई के टर्म्स में सिर्फ एक फॉर्मूला है आई और आर के टर्म्स में सिर्फ एक फॉर्मूला है वी और आर के टर्म्स में सिर्फ एक फार्मूला है ये सारे फार्मूलाज इंटरकनेक्टेड है तीनों से आंसर आएगा लेकिन हम क्या करेंगे हम वो अप्रोच लेंगे जिसकी हेल्प से हम आंसर तक क्विकली पहुंच पाए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस है ना जैसे कि या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए आर नहीं देगा वो तुम्हें बल्ब दे देगा बल्ब की रेजिस्टेंस नहीं देगा वो वो तुम्हें बल्ब देगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस है दो ओ, क्योंकि वो तो ईजी हो जाता कंपेरेटिवली वो क्या करेगा वो तुम्हें एक बल्ब देगा और उसकी रीडिंग देगा तो तुम्हें रीडिंग से रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो एक बार ज़रा सा देखो रीडिंग वगैरह कैसे देखते हैं मानू मैं अगर तुम्हें बोलूँगी भाई ये जो बल्ब है चालीस वॉट टू ट्वेंटी वोल्ट की है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बल्ब हमेशा इतनी पावर शो करेगी इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट हो तो ये 40 वोल्ट की पावर देती है तो ये जो 220 वोल्ट है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो तुम इस बल्ब के अक्रॉस लगा सकते हो क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ये मैक्सिमम पावर देती है अगर मानो इसने थोड़ी सी और पावर दे दी ना तो इसके अंदर का ये जो फिलामेंट है इसके अंदर की जो वायर है मेल्ट हो जाएगी सो बेसिकली रीडिंग में कभी भी पावर दी जाए ना ये मैक्सिमम पावर होती है कि दिस इज द मैक्सिमम हीट दैट कैन बी प्रोड्यूसड इन द बल्ब सच दैट द फिलामेंट इनसाइड इट डज नॉट मेल्ट तुम लोगों ने अगर कभी भी बल्ब को अगर ढंग से देखा हो ना तो मानो ये तुम्हारे पास इस तरीके से लट्टू है तो बल्ब के अंदर ना ऐसे एक फिलामेंट होता है जो वा, कॉपर वायरस का या फिर किसी और कंडक्टिंग वायर का बना हुआ होता है तो अभी इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है हीट प्रोड्यूस हो रही है तो मेल्ट कर सकती है ना ये तो बल्ब की रीडिंग हमें बेसिकली वो मैक्सिमम पावर देती है कि एक सेकेंड में मैक्सिमम चालीस जाउल की हीट प्रोड्यूस हो तो ठीक है लेकिन अगर एक सेकेंड में चालीस जाउल से भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो फिर ये फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा सो दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट द बल्ब कैन एग्जिबिट दिस मैक्सिमम पावर इज एग्जिबिटेड एट दिस पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब क्या मैं बोल दूं कि अगर मानो तुमने इस बल्ब के अक्रॉस बच्चों कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तुम समझ गए ना कि अगर मानो मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही हूँ अगर उसकी वैल्यू टू, 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 टू तो जो जो एग्जिबिट करेगी वो वाली वैल्यू भी मेरे पास फोर्टी वोट आ जाएगी अगर मानो मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो सौ बीस वोल्ट से छोटा अप्लाई कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब की बार ये जो पावर एग्जिबिट करेगी वो भी चालीस वोट से छोटा होगा अगर मानो मैं पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट से से ज्यादा ज्यादा लगा दूं, तो ये 40 पावर एग्जिबिट करेगा इसका मतलब जो बल्ब है हमारी फ्यूज हो जाएगी काम ही नहीं करेगी वेरी सिमिलर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था जरूरत से ज्यादा एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है जो हम चाहते थे यहां पर ये है कि जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन के निकलने के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं यहां पर हम लोग फ्यूज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि इतनी हीट हीट इससे थोड़ी सी और ज़्यादा दे दोगे तो फ्यूज हो जाएगा समझ गए? मैक्सिमम पावर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड सो दैट नॉट फ्यूज दिस मैक्सिमम पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई करोगे मैक्सिमम पावर

एग्जैक्टली exactly एक मिनट में चार घंटे की क्लास हो जाएगी जिसमें दस मिनट का ब्रेक ब्रिकॉर्डेड था सो गिव मी दोन मिनट एक्स्ट्रा दस मिनट में हम ये तीनों अच्छे से कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल हम लोग तीन बजे लाइक like कर देंगे सारे के सारे बच्चे इस सेशन को कोई भी टॉपिक हड़बड़ी में नहीं कराया है कोई भी कंसेप्ट नहीं स्किप कराया है इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग लास्ट में काउंट करने वाले हैं तीस से ज्यादा क्वेश्चन की हेल्प से करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन देखना सबसे लल्लू क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए मैंने तुमसे पूछा तो बल्ब कितनी पावर एग्जिबिट कर रही है तो तुम बोल दो कि यार दी देखो बल्ब के अक्रॉस मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब के अक्रॉस वो मुझे पता है रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं

सो so, ये वाली वैल्यू आ गई 16000 डिवाइडेड बाय 60 तो ये वाली वैल्यू आ गई 160 बाय 6 बोले तो 80 बाय 3 तो ये मेरे पास आ गया 80 बाय 3 करते रहो सॉल्व मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं मैंने तुम्हें बोला कि भाई मेरे पास दो बल्ब है इसकी रीडिंग इतनी है इसकी रीडिंग इतनी है ठीक है मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया बच्चों देखना मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया वन वोल्ट से अब मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि इन दोनों बल्ब में से कौन सी बल्ब ज्यादा जगेगी पारलल हो कुछ भी हो जो मर्जी हो मैंने तुमसे पूछा कौन सी बल्ब ज्यादा जगेगी तो तुम बोलोगे कि दी यार सी बात है वही बल्ब जगेगी जिसकी पावर ज्यादा है तो तुम्हें पावर को कंपेयर करना है तो या तो दोनों के अक्रॉस वी और आई को कंपेयर कर लो या दोनों के अक्रॉस आई और आर को कंपेयर कर लो या दोनों के अक्रॉस वी और आर को कंपेयर कर लो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है मेरे लिए आसान है कि मैं आई को कंपेयर करूं कि भाई दोनों के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू तो सेम है तो अगर मानो मैं ऐसे बोलूँ बल्ब इज करंट अक्रॉस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय देयर रेजिस्टेंस तो तुम देख पा रहे हो करंट की वैल्यू सेम है मतलब जो बल्ब पावर शो कर रही है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस ज्यादा पावर आ रही है मतलब वो ज्यादा जग रही है निकाल लो दोनों की रेजिस्टेंस पहले वाले की रेजिस्टेंस मेरे पास हो गया टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी दूसरे वाले की रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी विच इज फाइव बाय फोर ओम तो मैं देख पा रही हूँ पहले वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब पहले वाले बल्ब की पावर ज्यादा है सेकेंड कैसे आएगा थोड़ा ध्यान दे लो भाई दोनों के अक्रॉस करेंट सेम है अगर तो मैं पावर को कंपेयर करूंगी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से कि भाई अगर दोनों के अक्रॉस करंट सेम है देन पावर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैसे कर निकालते हो रीडिंग के पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रीडिंग की पावर तो मैं देख पा रही हूँ पहले वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पहले वाले बल्ब की पावर ज्यादा आ जाएगी लास्ट क्वेश्चन एंड देन ऑफ यू गो मैंने तुम्हें बोला <coughs> देखना एक बार बच्चों मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसे दो बल्ब दी ठीक है देखना मैंने इस तरीके से तुम लोगों को दो बल्ब दी

अब मानो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लाग हो रहा है जी हाँ <coughs> लाग होना तो नहीं चाहिए यार ठीक तो आ रहा है अब ठीक है अब ठीक है देख लो हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि पहले वाले बल्ब की रीडिंग देखो ना पहले वाले बल्ब की रीडिंग है फोर्टी वॉट टू हंड्रेड वोल्ट मतलब अगर इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो चालीस वोल्ट की पावर दिखाती है तो ठीक है ना इसके अक्रॉस 200 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसने पावर दिखा दी 40 वोट मतलब इस बल्ब के अक्रॉस 40 डॉल्ट की हीट रिलीज होगी एक सेकंड में अब ये वाले बल्ब को स्टडी कर लो ये वाले बल्ब को स्टडी कर लो तो तुम बोलोगे कि भाई दूसरे वाले बल्ब की जो पावर है वो आ जाएगी दूसरे वाले बल्ब के वैल्यू तो 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 मेरे पास कितनी आ गई रीडिंग के पोटेंशियल का स्क्वेर डिड बाई रीडिंग दो तो ये मेरे पास आ गया बल्ब के अक्रॉस दो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और बल्ब की रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई ये तो ये वाली वैल्यू आगे मेरे पास 15 वॉट 15 वॉट का मतलब इस बल्ब के अक्रॉस 15 जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है एक सेकंड में तो तुम देखो एडिड स्टेप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है दैट्स इट तो पहले वाले बल्ब के अक्रॉस 40 जूल की हीट रिलीज हो रही है एक सेकंड में दूसरे वाले बल्ब के अक्रॉस 15 जूल की हीट रिलीज हो रही है 1 सेकंड में मतलब कंबिनेशन के अक्रॉस फिफ्टी फाइव जाउल की, की हो रही है एक सेकेंड में तो कंबिनेशन की पावर कितने आगे फिफ्टी फाइव वोट इट और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बच्चों कल तीन बजे कैसा लगा सेशन फटाफट से मुझे बताओ इतने मैं काउंट करती हूँ आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात सात क्वेश्चन तो तुमने पावर पे कर लिए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस अठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन क्वेश्चन यही तो स्वैग है ना यार यही तो स्वैग है फोर्टी नाइन क्वेश्चन की हेल्प से सारे कंसेप्ट सारी घंटे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त अब 75 क्वेश्चंस करेंगे कल के बजे वाले सेशन में ठीक है यह वाला सेशन कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को कैसा लगा है बाकी अपनी अटेंडेंस बस एक रेड हार्ट छोड़ जाना आज तुम्हारी अटेंडेंस ये रेड दिल है कि दी फटाफट से मुझे अटेंशन दे देना okay? बच्चों फिर हम लोग कल तीन बजे पीडीएफ और जो डीपीपी है तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी लेकिन डीपीपी आपको प्रैक्टिस सेशन के बाद मिलेगी ठीक है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है रेड हार्ट